शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। शहर में किडनैपिंग केसेस बढ़ती जा रही है। आज ही दिन दहाड़े समता नगर से एक सत्या बाबू नाम के व्यक्ति को जब वो टीवी देख रहे थे उसी वक्त कुछ नकाबपोशों ने आकर उनका किडनैप कर लिया। अब तक उनकी कोई खबर नहीं मिली। पुलिस का कहना है कि किडनैपर जल्द ही पकड़े जाएंगे। अगर किसी व्यक्ति को किडनैपर के बारे में कुछ पता चले तो वो फौरन पुलिस। अरे सुनो बानी, तुम बाहर जाकर दरवाजा बंद कर दो। अरे क्या हुआ साहब, कोई आने वाला है? उठाने वाला है। मेरा किडनैप हुआ तो मेरे परिवार की खुशी और तेरी प्रकार दोनों चले जाएंगे। न्यूज़ नहीं सुनी क्या? अरे साहब, समता नगर में किडनैपिंग हुई है और आप यहाँ डर रहे हैं? मुंबई में ब्लास्ट होता है तो दिल्ली में हंगामा नहीं होता क्या? डरना जरूरी है। बोलिए, कैसे आना हुआ? बात यह है जी, हाँ। हमारी कॉलोनी के पार्क पर कुछ गुंडों ने कब्जा कर लिया है, इसलिए हम कॉलोनी वाले मिलकर उस पर केस करना चाहते हैं। अगर आप यहाँ साइन कर देते तो। मेरी बात सुनिए विश्वनाथ जी, घर टूटा फूटा हो तो हम रह सकते हैं, लेकिन घर के आसपास झगड़ा हो तो नहीं रहा जाता। हाँ जी, भक्ति चैनल पर भजन प्रोग्राम शांति से देख सकते हैं, फिर एक्शन चैनल के बारे में क्यों बात करते हैं जी? साहब साहब, किडनैप हुए सत्या बाबू को किडनैपरों ने चाकू घोप घोप कर मार डाला। क्या कहा? मार डाला उसे? अम्मा चंदर जी, पिताजी, 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 क्या हुआ? क्या हुआ? इनको क्या हो गया? मरने वाला कोई रिश्तेदार था क्या? ये तो जानते भी नहीं है उसे। रत्ना तू हट जा। बेटा चंदर, कुछ नहीं हुआ बेटा। उस सत्या बाबू को जिसने किडनैप किया था वो उसके ही बहन के लड़के थे। उनके बीच झगड़ा था मामूली पैसों को लेकर। अगर वो पैसा नहीं देगा तो छुरा घोप के मार देंगे, इसलिए आज ये घटना घटी है। वरना किस में ये चाकू मारने की हिम्मत है बता भला? हाँ? अरे तो ये बात है माँ। हाँ तो फिर उसने ऐसा क्यों कहा? वो तो पागल है। आप काम कीजिए अपना, जाइए। हाँ। ये क्या दादी माँ, आपने अपने बेटा को कहानी बनाकर सुना दी? नौकरानी सच बोली थी? मैं सब कुछ जानती हूँ, कहानी सुनाना मेरी मजबूरी थी। मेरे बेटे को हार्ट प्रॉब्लम है, डॉक्टरों ने जो कहा वैसे ही समझाती हूँ। मतलब मौत की खबर भी प्यार से बताना चाहिए। अच्छा है, चलता हूँ दादी माँ। हाँ। इस वक्त अगर इनका लड़का होता तो वो साइन कर देता। बाप इतना डरपोक है तो बेटा कितना होगा। अरे रे, मेरे बैग छिनकर भाग रहे हैं वो। कोई हमारा पीछा कर रहा है। साला ये
है तो मिल्खा सिंह से भी तेज दौड़ रहा है। जल्दी जल्दी छोड़ेगा नहीं हमको, बैग फेंक दे। सुनिए भाई साहब, ये काटेगा नहीं, रुक जाइए। अरे रुक जाइए। अबे साले क्या कर रहा, बैग फेंक। हाँ फेंकता हूँ, ले। कहाँ गया? बाप रे, बच गया आज, वरना आज तो पेट में 14 इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। बेटा बेटा, बहुत थैंक्स बेटा, तुमने मेरे बैग गुंडों से बचा ली। आपने बहुत अच्छा काम किया, वेरी गुड सर, वेरी गुड। बाप रे। सुनो, मैं जॉनी को पसंद आऊंगी ना? जरूर पसंद आओगी, तुम बहुत ही सुंदर हो, तुम्हारी जैसी लड़की से ही वो शादी करना चाहता है। बस देख लेना थोड़ी देर में कैसे दौड़ा दौड़ा आता है। अरे ये लो आ गया, कब से सोनी वेट कर रही है। हाय हाय, थोड़ा साइड में आना, कुछ जरूरी बात करनी है। अरे यही बता देना। बुरा कान में बोला जाता है, अच्छा माइक पर बोला जाता है। अभी के अभी माइक कहाँ से लेकर आऊँ, अच्छा बुरा जो भी है यही बोल डाल। जानता है आज क्या हुआ? वहाँ खड़े सभी लोग मेरी तारीफ कर रहे थे, और पता नहीं गुंडों ने क्या सोचा होगा, वो मेरी वजह से पकड़ गए, अब वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। मेरा आईडी कार्ड भी देख लिया होगा। 6 फुट की बॉडी में 6 इंच का आईडी कार्ड उन्हें कैसे दिखेगा? इतना केयरलेस नहीं होना चाहिए, उनका एड्रेस ढूंढना होगा, उसके बाद हम उनको बताएंगे कि मेरा कोई कसूर नहीं है। लेटर भेजकर बताएंगे कि वो लोग मेरी वजह से नहीं पकड़े गए। तू टेंशन मत ले यार, यहाँ चुपचाप बैठ जा, चल बैठ। अरे तुम्हें क्या हुआ, तुम बिना बोले कहाँ जा रही हो? गुड बाय। सुनो तुम, जॉनी गुड बॉय से शादी के लिए पहले तुमने हाँ बोला, अब गुड बाय बोलकर जा रही हो? सुनो, ये कॉलोनी में सर झुका के चलता था तब मैंने इसे अच्छा लड़का समझ के पसंद किया। ये इतना डरपोक होगा सोचा नहीं था। एक पिद्दी से कुत्ते से डरकर अपनी जान बचाकर भाग रहा था, और मैं उस लड़के से शादी करूं? मैं उस लड़के से शादी नहीं कर सकती जो इतना बड़ा डरपोक हो। लेकिन ये तो डर का बहुत बड़ा ब्रांड एम्बेसडर निकला। सिर्फ मैं ही नहीं, दुनिया में कोई भी लड़की तेरे जैसा पति नहीं चाहेगी। अच्छा तो निकल ले यहाँ से, तुझसे भी अच्छी संस्कारी लड़की मेरे दोस्त के लिए इस धरती पर जरूर कहीं ना कहीं पैदा हुई होगी। इसकी जिंदगी में अपना दाहिना कदम पहले बढ़ाएगी वो। इतने सालों से दुबई माफिया पर राज था मेरा, लेकिन उसके डॉन बनने के बाद से हम कठपुतली बनकर रह गए, कठपुतली। अगर किंग बनना है तो पहले उस किंग को मारना होगा, इसलिए आज मैंने उसकी मौत यहाँ फिक्स की है। Kill them! दाद देनी पड़ेगी मुझे, जो यमराज को तूने खुद ही बुला लिया अपनी मौत के लिए। माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं कोई भगवान नहीं हूँ जो तुझे माफ कर दूंगी। मेरा नाम है बुलेट।
रेशम है जो दुश्मन है ले अब हमला कर दे तू उन पे, मौत के सौदा करके दिल में फैला दे दहशत उनमें, जालिम को दे सजा क्राइम को मिटा फर्ज को निभाना रुकना, सूरत से आखे लड़ा कदम आगे बढ़ा खतरों का कर तू सामना, बुले, बुले, बुले। निशाना चूके न बुलेट तू बन जा, इस जंग को जीतेगा वो योद्धा जो लड़े अकेला, जिसकी मौत लिखी हो तेरे हाथों वो मौत को किसने रोका, जिसको भरोसा हो बस खुद पे लाइफ में कभी खाए ना धोखा, बुले, बुले, बुले। निशाना चूके ना बुलेट तू बन जा, मैं इस तरह डर डर के नहीं जी सकती, आपको माफिया चाहिए या मैं फैसला कर लूं। माफिया छोड़ दूंगा तो वो मुझे जीने नहीं देंगे, इसलिए अपनी बेटी को लेकर दुबई जा रहा हूं। बग्गा, तूने मुझे धोखा दिया तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तेरा खात्मा करने के लिए खुद अपनी बेटी को तैयार करूंगा मैं। तेरी माँ भी जिंदा है बेटी, तू मुझे छोड़कर कहीं चली ना जाए, इसलिए मैंने तुझे तेरी माँ के बारे में नहीं बताया। जा बेटी अपनी माँ से मिल ले। तुम इतनी बड़ी नौकरी करती हो सुनकर बहुत खुशी हुई बेटी। चिंता मत करो माँ, मैं आती जाती रहूंगी और जल्दी ही अपना ट्रांसफर यहाँ करवा लूंगी। मैडम, माँ जी को कैंसर बताया डॉक्टर ने। सॉरी मैडम, इस सिचुएशन में आप इन्हें कहीं भी ले जाए कोई फायदा नहीं, दवाइयां इन्हें कब तक जिंदा रखेंगी इस बारे में कहना बहुत मुश्किल है। बस मैं इतना ही कहूंगा कि आप इन्हें खुश रखने की कोशिश करें तो अच्छा है। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? मैं ठीक हूँ बेटी। तुम्हारे लिए गुड न्यूज है माँ, मेरा ट्रांसफर यहाँ हो गया है, अब मैं हमेशा तुम्हारे पास ही रहूंगी। ये तो बहुत खुशी की बात है। काका, जब तक माँ यहाँ है डील यहीं करेंगे, अरेंजमेंट कर दो। ठीक है बेटी। दुबई माफिया का इसको तो किंग बनाना चाहता था, उस लड़की के हाथों इस तरह मरेगा सोचा नहीं था। शांत हो जाओ, तुम्हारे दुखी होने से जाने वाला वापस नहीं आने वाला है। ए, इसको इधर घुमाओ। जी जा। मैं यहाँ बैठा हूँ, उधर किससे बातें कर रहा है? मोतियाबंद समझ कर ऑपरेशन करवाने गए रहे, आपका भाई की मौत की खबर सुनकर बीच में उठकर आ गए। जीजा सुनो, मेरी आंखें हो या ना हो लेकिन मैं कसम खाता हूँ जीजा, वो दुनिया के किसी भी कोने में हो उसे पकड़कर मारकर आपके सामने डाल दूंगा। हाँ। ए, मुझे उसकी लाश नहीं चाहिए। हा? मुझे वो लड़की जिंदा चाहिए, तड़पा तड़पा के मारूंगा उसे, तब जाकर शांति मिलेगी मुझे। नमस्ते मैडम। घर कैसा लगा माँ? बहुत अच्छा है बेटी। ये सब अपने ही लोग हैं, आपके प्रोटेक्शन के लिए हैं, माँ जी को शक ना हो इसलिए ये सब यहाँ नौकर बनकर रहेंगे। अबे सुन, भक्ति करने वाला इंसान भगवान की तस्वीर अपने वॉलपेपर पर रखता है और हम जवान लड़के अनुष्का या प्रियंका की तस्वीर को वॉलपेपर पर लगाते हैं, लेकिन ना चाहते हुए भी इस गेंडे की शक्ल को हमें अपने वॉलपेपर पर लगाना पड़ रहा है। क्या दिन आ गए यार।
ये क्या है? आपकी कॉफी सर। अब इसे कुत्ता बनकर चाटू क्या? ए, मेरे ऑफिस में C++ सीखने से कुछ नहीं होगा। ऑफिस के मैनर्स तो आते नहीं है, चला आया है काम करने। हो गया शुरू। दिया और बाती के सूरज को देखकर उससे कुछ सीखो, काम कैसे किया जाता है। तुम तो बस मुर्दों की बस्ती में रहने लायक हो, सड़क के कुत्तों से कटवाने लायक हो, सड़क के किनारे खुली हुई गटर में डूब मरो जाओ। आपका आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही रहना चाहिए। अबे मैंने तुझे आशीर्वाद कब दिया? मैं तेरे जैसे आदमी के मुंह नहीं लगता, जा किसी और को भेज। बकासुर को जैसे रोज बलि मिलती थी ना, वैसे ही आज इसे बलि मिलने वाली है। सर, बॉस ने आपको बुलाया है। गुड मॉर्निंग सर, आपने बुलाया है? FIR सीरियल के कांस्टेबल गोपी की तरह मक्खन मत लगा। बैठ जा और बता, LNT प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ कि नहीं? अभी तक नहीं हुआ सर। और वो होने वाला भी नहीं है। वो इसलिए क्योंकि तुम काम करना चाहते नहीं, दिन भर कैंटीन में बैठकर सिगरेट पीनी है और मस्ती करनी है, काम कहाँ से होगा। मैं इस मैंगो को एप्पल के साइज तक ले जाना चाहता हूँ, लेकिन तुम लोग मैंगो को सुखाकर बेर बनाने पे तुले हुए हो। आपका काम मैंने कभी इग्नोर नहीं किया सर, लेकिन जिस प्रोजेक्ट को एक महीना लगता है वो 10 दिन में कैसे पूरा होगा सर? सुबह जल्दी घर से निकलता हूँ तो आधी रात को ही घर पहुँचता हूँ सर, 10 दिन से सूरज निकलते नहीं देखा सर। तो फिर आज से तुम चंद्रमा को देखना छोड़ दो। सूर्य चंद्र को नहीं देखोगे तो उनको बुरा नहीं लगेगा, काम पूरा नहीं किया तो मुझे बुरा लगेगा। आप खुद ही देख लीजिए सर, इस प्रोजेक्ट के लिए मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ। तू बैठ जा, तुझे मैंने कहा गेट आउट। सॉरी, तू बैठ जा, तू बाहर जा। ओके बॉस। चुपचाप बैठ जा। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि नेक्स्ट एपिसोड के कंप्लीट होने तक ये प्रोजेक्ट मुझे कंप्लीट चाहिए। अरे मार्केट में क्या चल रहा है उसे देखकर अपडेट हो जा यार। कल तक कैसे पूरा होगा यार, टॉर्चर पर टॉर्चर कर रहा है और अपडेट होने की सलाह भी दे रहा है। पहले खुद को तो अपडेट कर ले। एक बार मैंने व्हाट्सएप के बारे में बात की तो फेसबुक के बारे में बात करने लगा, उसके ऊपर एक ही भूत सवार है, सीरियल सीरियल। राजा के 500 करोड़ अलीफा टावर के प्रोजेक्ट को मैं और मेरा पार्टनर माइकल स्टार्ट किया मैडम। अब मेरा पार्टनर ने दूसरे लोगों से हाथ मिला लिया, अब इस प्रोजेक्ट को उसको हैंडओवर करना होगा, नहीं करूंगा तो मेरे को मार देगा, वार्निंग दिया। डोंट वरी, आई एम डूइंग दिस डील। हैं? ये क्या किया, दिखाई नहीं देता क्या? ऐसे क्या देख रही है तू? एक तो कार डैमेज कर दी, ऊपर से आंखें दिखा रही है। हेलो। क्या हेलो? स्क्रैच भी नहीं आया, पेंट करवा देंगे। मतलब तुम्हारे पेंट करवाने तक मुझे इंतजार करना होगा और तब तक मैं ऑटो में सफर करूं? बोला ना पेंट करवा देंगे, शांत रहे। क्यों शांत रहूं मैं? मैं लापतागंज के मुकुंदी लाल की तरह लल्लू नहीं हूँ, फुलवा सीरियल के बड़े ठाकुर की तरह खूंखार हूँ। मेरा नाम सिंहराज सिंह है, सुना सिंहराज? नहीं मत सर, कार में मैडम की माँ बैठी हुई है। तेरे मेरे सपने सीरियल की माँ जैसे दिखने वाली बुढ़िया को देखकर चिल्लाना छोड़ दूं क्या? सर, गाड़ी में पेशेंट है सर। पेशेंट है तो मैं क्या करूँ, उसे घर में बिठाओ, इस तरह कार में बिठाकर शहर में घुमाओगे क्या? डर्टी ओल्ड पीपल। मैडम कंट्रोल, मैडम बहुत पक चुका है। उसे हम देख लेते हैं, आप प्लीज कार में बैठिए। सर मेरी बात क्या बात है, उसने कुछ इशारा किया और तू हिलता डुलता यहाँ चला आया, वो अपने को झांसी की रानी समझती है क्या? प्लीज सर, हम यही पास में रहते हैं, आप चलिए हमारे साथ, दूसरी कार दे देते हैं आपको, जब तक आपकी कार ठीक नहीं होती हमारी कार यूज कर लीजिए। सफेद कार देखकर चुपचाप ले रहा हूँ, फिर ऐसा किया ना तो बांध कर मारूंगा। कार में निशान पड़े चिल्लाए तो मेरे शरीर पर ही निशान बना डाले, मेरे पीछे बहुत बड़ा बैकग्राउंड है, सुन लो, तुम सबको बर्बाद कर दूंगा मैं। ए, बेल्ट से मेरी चमड़ी उधेड़ दी, याद रखना मैं तुम्हारी खाल से अपनी बेल्ट बनवाऊंगा। दिखने में तो बेवकूफ लगता है पर बातें डसने वाली करता है, कौन सी बड़ी तोप है तेरी? मेरी तोप का नाम काका। काका? 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 मैं तो तुम्हें अभी फोन करने ही वाला था, तुम तो खुद ही यहाँ चले आए। उसके हाथ खोलो। ये देखो काका, BMW कार का लालच देकर पागल कुत्ते की तरह मुझे मारा है काका। काका इसने मुझे बेल्ट से मारा, इसने मुझे डंडे से मारा, इसने मुझे 14 डंडे मारे काका, और इसने काका इन गुंडों की सरदार यही लड़की है, इसे जान से मार डालो काका। मुंह बंद कर, तू जानता हो कौन है? मैडम माफ कर दो मैडम, आप लेडी बादशाह हो, ये जाने बिना मेरे मुंह में जो आया बकता चला गया। कार पर तो सिर्फ 2 स्क्रैच आए थे, लेकिन मैंने उससे गहरे स्क्रैच आपके दिल पर बना दिए मैडम। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मैडम, मुझे माफ कर दो मैडम। काका
छोड़ दो इसे। ठीक है बेटी। सुन राजा राम, तू मुझे जानता है इसलिए जिंदा वापस जा रहा है। यहाँ की बात बाहर नहीं जानी चाहिए। समझ गया। अपनी उंगली को काबू में रखना चाहिए और मुंह को खाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। चलता हूँ काका। राम राम। ये मेकअप किस लिए काका? ये तू नहीं समझेगा। रोज तुम्हें बोलना पड़ता है। उस पौधे में थोड़ा ज्यादा पानी डाला कर। अच्छा माजी। माजी। हाँ? चलता हूँ माजी। क्या हुआ बेटा, तुम्हारा जो नुकसान हुआ था वो मिल गया ना? सूद के साथ मिला है माजी। ससुराल सिमर के सीरियल के जैसी, जिसकी अच्छी बेटी हो। आपकी बेटी बड़े दयालु है माजी। माजी, ऐसा सेटलमेंट मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा माजी। मेरा मेकअप भी फ्री में हो गया। तुम्हारा चेहरा देखने से ही पता चल रहा है बेटा कि तुम कितने ज्यादा खुश हो। आते रहना। मेरे चेहरे पर जो खुशी दिखाई दे रही है माजी, वो सब मेकअप का कमाल है। मैं जितने रिश्ते लेके आया हूँ वो सब टॉप फैमिली के हैं। सब जमीन जायदाद वाले लोग हैं। पंडित जी, उनकी जमीन जायदाद को छोड़कर हम सिर्फ फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहते। इसी तरह अगर उन लोगों ने भी आपकी फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में पूछा तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा, बोलो? वो बात नहीं है पंडित जी, एक बार हम बिना बैकग्राउंड जाने ही सगाई के लिए वहाँ पर पहुँच गए थे। नमस्कार। नमस्कार। एक काम अच्छे से होना चाहिए, समझे? ठीक है भाई। ये क्या, फिर सब पुराने गेटअप में आ गए क्या? फैशनिस्ट जो ठहरे हम लोग, इसका मतलब ये तो नहीं कि सब सफेदी कपड़े पहनोगे? फिल्मों में भाई लोग सफेद कपड़े पहनते हैं, देखा नहीं क्या? सुनो, विरासत फिल्म में अनिल कपूर की तरह अब मैं बदल चुका हूँ, लेकिन तुम लोगों में बदलाव नहीं आया। थोड़ा ट्रेंड बदलो, फैशन में रहना सीखो। फैशनिस्ट अपना फैशन नहीं बदल सकते, यही फैशन रहेगा हमारा। सुन, मैं भी फैशनिस्ट हूँ, MBA पढ़कर आया हूँ। जानता है क्यों? ताकि इन फालतू चीजों से बाहर निकलकर कुछ अच्छा काम कर सकूं। मेरी समझ में नहीं, समझने की कोशिश करो। समझे जी, मेरी बेटी की कुंडली के हिसाब से सगाई के 6 महीने के अंदर ही हर हाल में शादी हो जानी चाहिए। आप जल्दी से अच्छा सा मुहूर्त निकाल कर डेट फिक्स कर दो। ठीक है समझे जी। सुनिए, थालिया एक दूसरे को दीजिए, बदलिए। आप हैं नरसिंह यादव। अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करने का वादा किया था, अब सगाई किसी और से करवा रहा है। तेरी बेटी मेरी होने वाली बहू है। यहाँ सबके सामने चिल्लाकर क्या साबित करना चाहता है? मेरी बात ध्यान से सुन ले, अब कुछ नहीं होगा। मैंने क्या सोचा था क्या हो गया? तेरा बेटा निकम्मा निकला, मुझे पसंद नहीं है, इसीलिए मैं अपनी बेटी की शादी जॉनी से करवा रहा हूँ। इस जॉनी को भले ही मुझे बोनी बनाना पड़े, तेरी बेटी मेरे ही घर की बहू बनेगी। उठा कर लाओ उसे। मैं भी देखती हूँ मेरे पति को कौन हाथ लगाता है। सीता समझने की गलती मत करना, बिहार में पैदा हुई शेरनी हूँ मैं। क्या हो, मारो सबको। अम्मा, पहले लड़की सीता जैसी दिख रही थी, बाद में सुपर्णा बन गई। ये लोग चाल चलन में ठीक नहीं लगते। आप लोग चिंता मत कीजिए, बस 4-5 लाशें गिरेंगी तो सब ठीक हो जाएगा। अरे बापरे। तूने एकदम सही कहा बेटी। देखो बेटा, ये यहाँ रोज होता है। एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ, अगर नहीं भूले तो तुम्हारे पैर उनके रक्त से धोने पड़ेंगे। जीजा जी, अपने जमाई के पैर तो पानी से धोने चाहिए, ये मेरे पैर खून से धोने के लिए बोल रहे हैं। पंडित जी, तुम चालू रहो। अब आप दोनों दूसरे अंगूठी पहनाइए। और जब मेरे पोते ने अंगूठी पहनाई तो उसी वक्त मेरे बेटे को दिल का दौरा पड़ा। डॉक्टरों ने बड़ी मुश्किल से जान बचाई और सगाई को बीच में रोकना पड़ा। उसके बाद वो लोग पीछे ही पड़ गए, सगाई नहीं करोगे तो तुम्हें जान से मार डालेंगे। बड़ी मुश्किल से उन लोगों से जान छुड़ा के इस शहर में रहने के लिए आए हैं। अम्मा जी, मैं सब समझ गया। अब वो ही लड़की इस घर में आएगी, चाहे वो गरीब खानदान की ही क्यों ना हो। ठीक है ना, ऐसी लड़की अब मैं ढूंढ कर लाऊंगा। पूजा, बहुत दिनों से एक बात बोलना चाहती थी। बोलो ना माँ। तेरी शादी करनी है। ओ माँ बाप के लिए ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है बेटी। अब तू बड़ी हो गई है, मैं अब इस जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहती हूँ बेटी। इतनी जल्दी भी क्या है पूजा? बाहर एक नया लड़का आया है, उसे लेके आ। ठीक है भाई। अपुन को बुलाया क्या? Hey, चिरकुट, पहले चश्मा उतार। क्या नाम है तेरा? सन किंग सन ऑफ मून फादर। ये कैसा नाम है? आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। सूर्य राज सन ऑफ चंद्र राज, इट्स मी। और आप? सिंह राज। ओ, लायन किंग। क्या मस्त लग रही है, कौन है ये आइटम? Hey, तुझे इसके नीचे ही नौकरी करनी है। बुलेट मैडम है, जरा संभाल कर रहना। बुलेट मैडम? नहीं नहीं,
ये नहीं हो सकती। मैंने सुना है बेटी तुम शादी कर रही हो। अपने लिए नहीं, माँ की खुशी के लिए। मैडम आप शादी कर रही हैं? वो शादी नहीं एक नाटक होगा, उसे सिर्फ मेरा हस्बैंड होने की एक्टिंग करनी होगी। उसके साथ मेरा किसी तरह का कोई रिलेशन या इमोशन नहीं होगा। आई सी। जब तक माँ है उसे यहीं रहना होगा। मैं समझ गया बेटी। माँ की नजर में ये अरेंज मैरिज होगी, हमारी नजर में कंडीशनल मैरिज। इस तरह के आदमी को ढूंढने में परेशानी होगी मैडम, क्यों ना हम अपने ही किसी आदमी को तैयार कर ले मैडम। कौन होगा वो? यस। अरे तुम क्यों अपनी टांग घुसा रहे हो? अपन तैयार है मैडम। हाँ जी मैडम, अपन बिना शर्तों को ये काम कर सकता हूँ। अपन जाति धर्म नहीं मानता और इस काम के लिए पढ़ा लिखा लड़का होना चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं है मैडम। बस अपन की एक इच्छा है आपके साथ। तुम रोको यार, शादी धूमधाम से होनी चाहिए मैडम। आप जो तनख्वाह मुझे देंगे उसी से मैं 3-4 बार आपको जू बीच ले जाऊंगा और हफ्ते में 2-4 बार आपको मूवी दिखाऊंगा। उसके बाद महीने में 2 बार मैं आपके फेस का फेशियल भी करा दूंगा मैडम और शॉपिंग कराऊंगा। आप सिर्फ शादी के लिए हाँ बोलो, क्या बोलते काका? मुंह बंद रख बेटी, मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हारे सामने कोई भी हमारा आदमी एक्टिंग कभी भी नहीं कर सकता। ठीक है, फिर आप ही किसी को ढूंढ लीजिए। बहुत क्रिएटिव लगता है ये। थोड़ा सा मेकअप करवा दो। मेकअप? मेकअप के लिए बोल रही है तो अपुन पसंद आ गया। अरे सुनो भाई, मेकअप रूम कहाँ पर है? वो देखो उस कमरे में। अरे मांडाला, 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 इस तरह से मेकअप करवाएगी अपुन ने सपने में भी नहीं सोचा था। पापा, अपुन को जबरदस्त कूटा, बिना साबुन के धो डाला। मर्डर करने के लिए गुंडे मिल जाएंगे लेकिन शादी करने के लिए लड़के कहाँ से लाएंगे? ढूंढना तो पड़ेगा। आप भाग्यशाली हैं। थैंक यू पंडित जी महाराज, बहुत अच्छी कुंडली मिलाई आपने, ये लीजिए। और बाकी के 10,000? लेकिन बात तो 10,000 की हुई थी ना। सुन बे खजूर, जंग लगी कील की तरह दिखने वाले खजूर को सोने का बताकर ये रिश्ता तय करवाया है मैंने। जिस तरह बैंक में पैसा छुपाते हैं उसी तरह से तेरी सारी बीमारियां छुपाई है मैंने। पुरानी बातों को भूल जाइए आप। हाँ, और ये लीजिए 10,000। एक मिनट। बहुत बड़ा ढोंगी है, यहाँ पाप करता है और वहाँ पूजा करता है। भगवान भगवान, पिंजे सही सही चलाना मेरा। हो गया काम। हाँ ये लो, इसे पढ़कर इसमें साइन कर देना। ये क्या है महाराज, मैं यहाँ आपको चेक देने आया था, आपने मुझे बुक पकड़ा दिए। भाई साहब, टू व्हीलर के लिए लोन लेने जाते हो तो वहाँ कितने नियम होते हैं, और हम शादी करवाते हैं तो हमारे भी कुछ नियम होंगे ना। नियमानुसार इतनी सारी शर्तें? नियमानुसार इतनी सारी शर्तें नहीं, नियमानुसार शर्तें हैं। मेरी बात सुनो, तुम्हारी हिंदी बहुत अच्छी है, एंकर के लिए ट्राई करो, पढ़ने की जरूरत नहीं, चुपचाप साइन कर दो। मिलते हैं सर। हाँ एक बात नहीं समझा, मेरे बारे में आपने इतने झूठ बोले फिर भी उन लोगों ने हाँ कर दी महाराज। तुमने ही तो बोला था सन्नी लियोन जैसे संस्कारी लड़की चाहिए तुम्हें। मैं चलता हूँ। आ जाओ, वेलकम, आइए बैठिए। हाँ फरमाइए। एक दूल्हा चाहिए अर्जेंट। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डॉक्टर या? पहले तुम हमारी कंडीशन सुनो। ये है कंडीशन। देखिए, बिना लोकतंत्र के भी ये देश चल सकता है, बिना पैसों के भी राजधानी चलवा सकता हूँ, लेकिन इतनी कंडीशन रख करके लड़का मैं नहीं ढूंढ सकता हूँ। हमारे भी कुछ नियम है। तुम्हें अपने नियम बदलने होंगे। पैसों से तुम मुझे खरीद सकते हो लेकिन मेरी अंतरात्मा बिकाऊ नहीं है, तुम लोग जा सकते हो। आत्मा में बदलने से तो अच्छा है कि अंतरात्मा को ही बेच दो। मेरी अंतरात्मा मान गई है। थैंक यू। आपको कैसा लड़का चाहिए मैं सब समझ गया। अब कैश को यहाँ रख दीजिए और इन गनों को पॉकेट में रख लीजिए। मुझे क्या करना है उसकी डिटेल मेरे हाथ में रख दीजिए। भगवान, बहुत दिनों से मैं शादी के लिए आपसे एक लड़की मांग रहा हूँ लेकिन आप उसके बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। मैं जानता हूँ कि आप मुझे कभी भी निराश नहीं कर सकते। उमापति जी, अपनी दृष्टि से एक लड़की जो बहुत ही सुशील और संस्कारी हो मेरे पास भेज दीजिए। भगवान से प्रार्थना कर रहे हो या उन पर प्रेशर डाल रहे हो? भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, मंदिर के चेयरमैन से तो नहीं। अच्छा बोलो, कैसी लड़की चाहिए? उसके दिखने में सादगी होनी चाहिए, जो ड्रेस सिंपल पहनती हो, ब्यूटी पार्लर वालों से कोसों दूर होनी चाहिए, नेचुरल ब्यूटी दिखनी चाहिए।
एक लाइन में कहूँ तो उसकी सुंदरता आईने जैसी होनी चाहिए। बस इतना ही या और चाहिए? और एक बात, उसकी फैमिली दिखने में एकदम पारिवारिक अगरबत्ती के ऐड की तरह सिंपल होनी चाहिए। इसे वहां जाकर बांध दो, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। तुम यहीं रुकना बेटा, मैं प्रसाद लेकर आता हूँ। जैसे मैं सपनों में ढूंढ रहा था, आज वो खुद चलकर मेरे सामने आ गई। ओ जाना मैंने इश्क में क्या नहीं खोया, जा तेरे नाम कर दी दिल ही नहीं खोया। नींद रातों की चैन सुकून खोया, खोके खुद को तेरा इश्क पा लिया। कुछ 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 हो गया दिल में, इश्क 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 हो गया पल में, तेरे प्यार की बारिश में भीगू अब हर पल में। कुछ 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 हो गया दिल में, इश्क 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 हो गया पल में, तेरे प्यार की बारिश में भीगू अब हर पल में। ओ जाना मैंने इश्क में क्या नहीं खोया, जा तेरे नाम कर दी दिल ही नहीं खोया। चेहरा तेरा दिल में, स्माइल मेरे फेस की, तू प्यार हुआ तुझसे फर्स्ट टाइम, माहिया कहता मैं हूँ हाले हाले। मैजिक किया मुझ पे, मुझको आशिक आवारा बनाया दीवाना तूने। कुछ 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 हो गया दिल में, इश्क 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 हो गया पल में, तेरे प्यार की बारिश में भीगू अब हर पल में। जाने जाना ओ जाने जाना, दिल तेरा दीवाना। वेलकम माही, दिल में तू ही दस्तक देती, पढ़ आंखों में ये लव यू तुझसे कहती। प्यार हो जा चल उस दिशा में चले, डूबे लव में, लव से लाइफ फेस्टिवल है। कुछ 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 हो गया दिल में, इश्क 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 हो गया पल में, तेरे प्यार की बारिश में भीगू अब हर पल में। कुछ 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 हो गया दिल में, इश्क 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 हो गया पल में, तेरे प्यार की बारिश में भीगू अब हर पल में। महाराज जी बहुत देर हो गई, अब तक लड़की आई क्यों नहीं? उसे आना क्या है, वो तो सामने बैठी है। यू डोंट वरी, इस लड़की ने तो पैंट शर्ट पहनी है। तो क्या बिना कपड़ों के आ जाती? मैंने सोचा था साड़ी पहनकर हाथों में चाय की ट्रे लेकर आएगी, लेकिन नहीं आई। मेरी बात सुनो, तुम्हें साड़ी चाहिए या पैसा चाहिए? पैसा पैसा चाहिए। तुमसे नहीं उसे पूछा, उसको ही चाहिए। शांत रहो। ठीक है सुनो, तुम जिस लड़की से शादी करने वाले हो वो धनलक्ष्मी बैंक है। तुमने बताया नहीं सर? आधा ही बताया था। मुझे खुद ही पूरा पता नहीं है, इसलिए तुझे आधा बताया। बेटी वो लड़का सामने बैठा है। हाय काका। बेटी इसे कल माँ को दिखा देना। पापा ये लड़की गड़बड़ लगती है। तो डरता क्यों है, हमारा वकील कब काम आएगा? सुनो अब क्या हुआ तुम लोगों को? महाराज वो लड़की गन रखती है। थोड़ी देर के लिए गन छुपा लेती तो तुम एक बात बताओ, तुम्हें गन चाहिए कि पैसा चाहिए? हमें अपनी जान प्यारी है। ये लोग तो गायब हो गए, अब कहीं मुझे इसे शादी ना करनी पड़ जाए। पता नहीं यार, जब से उस लड़की को देखा है मेरा दिल मेरे पास नहीं रहा। बहुत ढूंढा उस लड़की को पर कहीं मिलती ही नहीं। सपनों में आती है लेकिन सामने नहीं आती। सुन जो चीज सपनों में दिखाई देती है वो एक ना एक दिन जरूर मिलती है, तू बिल्कुल टेंशन मत ले, लड़की तुझे ही मिलेगी। मैडम आप जिस लड़के को कहेंगे ये उसको ले आएगा मैडम। हाँ जी पूजा। अब क्या हुआ माँ? मैंने लक्ष्मी को तुम्हारी शादी के बारे में बताया था और आज ही लड़के वाले तुम्हें देखने के लिए यहाँ आ रहे हैं, तू जल्दी जाके तैयार हो जा बेटी। कौन है वो?
इसको तुमने ही पैदा किया, कैसे उठा के लाई थी? का मतलब है तुहार? हरकतें अलग है, इसलिए पूछा। नमस्कार बहन जी। नमस्ते। हमार नाम नगीना बा, हमार बेटा नागेश्वर और हमार पति नागराज। सांपों की फैमिली डसले के लिए तैयार बैठी है। हमार बेटा के तोहर लड़की पसंद बा, ये कारल बा हमार बेटा नागेश्वर। वैसे लड़की क्या काम करती है? फिलहाल तो बार्कलेस में एजीएम की पोस्ट पर है, दुबई रिटर्न है। दुबई से रिटर्न काहे भेज दिहल गईल, या ऐसी कौनो गलती कैले, ये पूछ रहल बा हमार नागेश्वर। रिटर्न का मतलब वापस भेजना नहीं होता है, यहाँ आकर अब सेटल हो गए हैं ये होता है। लड़के को खैराती स्कूल में पढ़ाया था। आपका बेटा क्या करता है जी? एकरा के काम करे के का जरूरत बा? मुंबई में हमार बहुत बड़ी प्रॉपर्टी बा, ये कह रहल बा हमार बेटा। आपके पास इतनी जमीन जायदाद है, सुनकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। अरे हम तो भूल ही गई नहीं, एकरा के नागिन डांस करे आवेला का, ये पूछ रहल बा हमार बिटवा। यह नागिन डांस हमार खानदानी डांस। ओहो एकदम दुखी डांस ऐसा। अब एक फुसफुसा रहा है कान में। अगर सबके सामने डांस करे में शर्म आवेला, तब बेडरूम में जाके डांस करके दिखाए, ये कह रहल बा हमार बिटवा। आप लोग उस रूम में जाइए। ये रिश्ता मुझे पसंद नहीं आया हेमा, पूजा उसके साथ अंदर गई है, डांस के नाम पर उसके साथ क्या करेगी क्या पता। भाई हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक बुलेट दुबई में नहीं है, वो हैदराबाद गई है। हैदराबाद में है वो? क्या कहा, हैदराबाद में है वो? तब तो वो अपने कब्जे में समझो, अब उसे टपकाने में देर क्यों कर रहे हैं? उधर नहीं इधर हूं। वो तो आप यहाँ बैठे हो, मेरी बात सुनो जीजा, हैदराबाद में मेरा एक लंगोटिया यार है, अगर हम इसकी सुपारी उसे दे देंगे तो हमारे पहुँचने से पहले वो उसे पकड़ लेगा। ओह वहाँ हो, वो बहुत ही डेंजर है। तो जिसकी कह रहा है वो ये डील कर सकता है क्या? वो जो डील करता है उसे अंजाम भी देता है, उसे मारा मारी का 30 साल का एक्सपीरियंस है जीजा। एक साल पहले शिरडी से आते वक्त शोलापुर में मिली थी, मेरे पास आने के बाद हमेशा मुझसे चिपकी रहती थी, दिन हो या रात हो मेरे साथ ही घूमती थी, मैं हमेशा उसे अपने साथ ही लेकर जाता था, कांटा उसे चुपता तो दर्द मुझे होता था। आज सुबह उसे मंदिर लेकर गया था, उसे बाहर छोड़कर जब दर्शन करके मैं लौटा तो उसे कोई उठा ले गया। उसका नाम क्या है? वो मेरी चप्पल थी, रूपा कंपनी की होती तो मैं उसे छोड़ देता, लेकिन वो पूमा कंपनी की थी, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। सत्या, चप्पल चोर कहाँ मिलेगा पता करो। मैं जानता हूँ इस वक्त वो कहाँ होगा, बुला के लाऊंगा उसे। नहीं मैं खुद जाऊंगा। महाजन तुम्हें चप्पल चाहिए, उसे ले जाने वाला। भाई पैसा दे दे मन्ने। भैया तुम यहाँ? भैया के लिए चेयर ला। अरे नहीं चाहिए, तेरी कुर्सी, चेक निकाल। बच्चों जैसी बातें क्यों कर रहे हो, होता तो दे देता ना। आप देखो ऊपर से दिखता है मगर अंदर छेद है, हाथ में मेरे गन तो है मगर चलाने के लिए गोलियां नहीं, अगले महीने पैसा आएगा दे दूंगा। अरे जब तेरे पास पैसे नहीं है तो ये कोटे सूट कैसे? बिना बिजली के पंखा और बिना स्टाइल के डॉन कभी नहीं चल सकता है भैया। मेरी चप्पल तो मिल जाएगी। अरे तेरी चप्पल और मेरे पैसे दोनों ना मिलेंगे, अगर इसके पास थोड़ी देर और रहे तो इसकी पनौती हमें लग जाएगी। चलो लिया डॉन बावड़ी, देखो ऑनलाइन है। हेलो मोबाइल वो उल्टो पकड़े है, जानता हूँ तू जा। ए, बीको। हाँ बोलो। डिटेल के साथ पैसा भेज रहा हूँ, काम पूरा हो जाना चाहिए। हो जाएगा बाबा। ए, बॉस। हमारी पनौती समझो आज से खत्म हो गई। अब कितने दिन ऐसे बैंक में रहोगे? वो कब्जा वाली जमीन की पेपर मुझको दे दो, मैं कुछ करता हूँ ना। हेलो। अरे जॉनी तेरी ड्रीम गर्ल का एड्रेस मिल गया यार। सच बोल रहा है? हाँ आज अपनी बहन के रिश्ते के लिए एक मैरिज ब्यूरो गया था, यहाँ पर उस लड़की का फोटो देखा मैंने, लड़की बार्कलेज में जॉब करती है, बाकी सब डिटेल है मेरे पास। तुम्हारी डिटेल तो सब ठीक है लेकिन तुम्हें कैसी लड़की चाहिए, साफ्ट वेयर, हार्डर वेयर, एक्टर की, डॉक्टर की? सर मुझे ये लड़की चाहिए। है? क्या कहा तुमको, ये लड़की चाहिए? हाँ, हाँ. हाँ सर ये लड़की मुझे बहुत पसंद है, आप जितनी फीस बोलोगे मैं सब दे दूंगा, इस लड़की के लिए तो अपनी जान भी दे सकता हूँ मैं। ये तो खुद तुम्हारी जान ले लेगी। हा? क्या कहा? अरे कुछ नहीं, शादी के लिए आए हो जान देने की बात क्यों करते हो। इससे सेटिंग कर दीजिए ना सर। लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। इसको अगर शर्तें बताएंगे तो ये भाग जाएगा। तो पहले क्या करें बोलो? पहले शादी करवाते हैं और उसके बाद हम भाग जाएंगे। सर इस लड़की के लिए मैं कोई भी शर्त मानने को तैयार हूँ, मुझे अनुष्का शर्मा या कतरीना कैफ नहीं चाहिए सर, चाहे कोई भी शर्त हो या कितना भी कमीशन हो, मुझे बस ये लड़की चाहिए सर। लड़का बहुत जल्दबाजी में लगता है। हाँ। हम कोई भी कंडीशन रखेंगे
तो भी इसी से शादी करोगे? हाँ जी सर। ऐसा क्या देख लिया इस लड़की में तुमने? इसका बैकग्राउंड संस्कारी होगा। फोटो में संस्कार और बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है तुझे? गन जैसी आंखें हैं इसकी। आंखों का तो पता नहीं लेकिन गन है। मेरे दिल को चुराने वाली मेरी जान है सर। चुराने वाली नहीं लेने वाली है। देखिए सर, उसके संस्कार स्वभाव सब मेरे दोस्त को पसंद आ गए। मेरे दोस्त को ये लड़की पसंद है। आप भी जल्दी से इस मैच को फिक्स कर दीजिए। एक मिनट, भगवान जी, बकरी का बच्चा खुद ही चलकर शेर की गुफा में घुस रहा है। न चाहते हुए भी मुझे हाँ करनी पड़ रही है। मैं भी मजबूर हूँ, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे माफ कर देना भगवान, आगे तुम्हारी मर्जी। इसे जहाँ तक पढ़ सकते हो पढ़ के साइन कर दो। मुझे पढ़ना नहीं है, साइन कहाँ कहाँ करना है बता दीजिए। लड़का बहुत जल्दबाजी में है। जब किस्मत बाहर खड़ी हो तो जल्दबाजी करनी पड़ती है सर। हाँ, कभी कभी दरवाजे पर यमराज भी खड़ा हो जाता है। मेरा मतलब है तुम शादी की तैयारी करो, मैं फोन कर दूंगा। चलता हूँ। ओके भाई, इयरिंग टोन बहुत अच्छी है, अपने दोस्त को भी दे देना। तू जिसे चाहता था आखिरकार वही लड़की मिली तुझे। ये शादी नहीं होगी। ये क्या कह रही हो बहन? भैया, पंडित जी के बताए 6 महीनों में से 5 महीने बीत चुके हैं, लेकिन आप उस लड़के को आज तक ढूंढ कर नहीं लाए। गुस्सा मत करो लता बहन, ये लोग उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। सगाई वाले दिन से तुमने यही साड़ी पहन रखी है, जाके साड़ी तो बदल। नहीं बदलूंगी भाभी, जब तक मुझे वो लड़का नहीं मिल जाता नहीं बदलूंगी। देखो बहन, तुम्हें सिर्फ साड़ी पहनने के लिए कह रहे हैं, दिल से निकालने के लिए नहीं। इस तरह की जिद सिर्फ फिल्मों में ही अच्छी लगती है, असल जिंदगी में नहीं। मेरी प्यारी बहन, साड़ी गंदी हो चुकी है जो सेहत के लिए अच्छी नहीं। hey, अच्छा या बुरा, अपनी छोटी बहन को समझाने की जरूरत नहीं है। अगर तेरे खून में गर्मी है तो उस जॉनी को ढूंढ कर यहाँ ले आ। वैसे भी सारी गलती तेरी है। ट्रेंड बदलूंगा बोलकर उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर को उठा लाया, उसके बाद क्या हुआ, वो भाग गया ना। चला सुनो बेटी, आज तक मैंने इन पर भरोसा किया लेकिन अब इनके बस की बात नहीं है। मैं उसे खुद ही ढूंढूंगा। 1 महीने के अंदर अंदर उस जॉनी को ढूंढकर तेरे पास लेकर आऊंगा और तेरी शादी करवा दूंगा। तेरी शादी करने में मुझे कोई एतराज नहीं है बेटा, लेकिन तेरी शादी के बाद तुम्हें लड़की वालों के घर रहना होगा, वो मुझे पसंद नहीं आ रहा। अब मैं जानता हूँ पिताजी आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन मुझे वो लड़की बहुत पसंद है। कुछ दिनों में मैं उसे मना लूंगा और फिर वो हमारे साथ ही रहेगी, उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। बात वो नहीं है बेटा, शादी के बाद तू उनके घर रहेगा तो लोग तुम्हें बुरी नजरों से देखेंगे। इसका मतलब जीजा जी हमारे घर में रहते हैं तो क्या लोग उन्हें बुरी नजर से देखते हैं? अब बस करो, जब तुम्हें वो लड़की इतनी पसंद है तो हम मना नहीं कर सकते। कोई अच्छा सा मुहूर्त देख के शादी करवा देते हैं। नक्षत्र का चांद है, देखो बेटा। पंडित जी, मुझे उसमें कोई नक्षत्र दिखाई नहीं दे रहा है। अब तुम चिंता मत करो बेटा, कल से अरुंधति के साथ साथ घर में मधुमती, चंद्रमुखी, चंद्रकला सब दिखाई देने लग जाएंगी। हैप्पी मैरिड लाइफ। स्वागत मनाने के लिए जेवरों की क्या जरूरत? जरूरत नहीं, लेकिन स्त्री को सुंदर दिखना चाहिए। क्या हुआ बेटी, बुलाया तुमने? मेरी बात सुनिए काका, शादी करके वो लड़का ज्यादा ही उछल रहा है। कंट्रोल में रहने के लिए कहिए उसे। शादी की कंडीशंस भूल गए क्या? क्या हुआ, जवाब क्यों नहीं देते? सॉरी मैडम, शादी की कंडीशन उसे बताई नहीं गई। ये क्या किया तुमने, कंडीशन क्यों नहीं बताई उसे? बताने पर कोई भी शादी नहीं कर रहा था, इसलिए उस पंडित ने हमें बिना बताए प्लान बनाया।
जब हमें ये बात पता चली पंडित शहर छोड़ गया था। ठीक है, अभी जाकर बताइए उसे। मुश्किल है बेटी, जॉनी डरपोक लड़का है, सच जानकर भाग गया तो आपकी माँ को सारी सच्चाई पता चल जाएगी। फिर क्या करें? आपको किसी तरह मैनेज करना पड़ेगा मैडम। मैं कैसे मैनेज करूँ? पहले ही मैं अपनी माँ के सामने एक्टिंग कर रही हूँ, अब उस लड़के के सामने भी एक्टिंग करनी पड़ेगी मुझे। करनी पड़ेगी, और कोई रास्ता नहीं है, आपको अपनी माँ के सामने एक्टिंग करनी होगी। नो, ये मुझसे नहीं हो सकता। पूजा वहाँ सब इंतजार कर रहे हैं। बस अभी आती हूँ माँ। ठीक है, जल्दी आना। एक भी काम ठीक से नहीं करते। अगर उस लड़के ने मेरे साथ कोई उल्टी सीधी हरकत की तो गोली मार दूंगी उसे। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, सिंगल लेग, सिंगल हैंड, डबल हैंड। बचपन में मेरे पापा कहते थे तू तो शेर का बच्चा है। तैयार रह। मैडम बहुत ही गुस्से में अंदर गई हैं, भगवान जाने क्या होने वाला है। अरे इतनी जल्दी सो भी गई? ओह शर्मा रही होगी। लगता है मुझे ही आगे बढ़ना होगा। इसकी कमर तो कमल की फूल की तरह नाजुक है, सोते हुए भी कयामत ढा रही है। मोगरे की खुशबू दिमाग खराब कर रही है। अरे ये लाइट क्यों ऑन है? वैसे भी ये बहुत शर्मा रही है, लाइट बंद कर देता हूँ। अब तो लाइट बंद कर दी, अब इतना शर्माओगी तो कैसे चलेगा। सुहागरात के पहले दिन कुछ लड़कियां पति के पलंग पर आते ही घबराने लगती है। आप अगर उन्हें हाथ भी लगाओगे तो, पास जाने की कोशिश करोगे तो वो पीछे धकेलती है, गुस्से में दुलत्ती भी मार सकती है। इसने मुझे लात मारी। इस परिस्थिति में आपको पॉजिटिव रहना होगा, तभी आपकी सुहागरात सक्सेसफुल हो सकती है। करनी पड़ेगी, आपको अपनी माँ के सामने एक्टिंग करनी होगी। क्या जबरदस्त लात मारी है इसने, क्या हुआ? डर गई थी? डोंट वरी, आई कैन अंडरस्टैंड। सत्यभामा ने श्री कृष्ण को सर पर मारा था, लेकिन तुमने मेरे दिल पर लात मारी। सिचुएशन डिफरेंट है, लेकिन इमोशंस दोनों के सेम हैं। तुम जरा भी टेंशन मत लो, जब तक तुम नहीं चाहोगी हमारी सुहागरात नहीं होगी। ओके अब चले। आखिरकार मधुबाला सीरियल के हीरो की तरह तूने शादी कर ही ली। विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ। थैंक यू सर, इतने दिनों से आप बाहर थे इसलिए मैंने पार्टी नहीं दी। आपको चीफ गेस्ट बनाकर कल एक पार्टी देना चाहता हूँ सर। जरूर आऊंगा, बट तुम मेरी टाइमिंग कंडीशन अच्छी तरह से जानते हो ना, उड़ान सपनों की सीरियल खत्म होते ही आ जाऊंगा, ससुराल सिमर का शुरू होने से पहले घर चला जाऊंगा। हाँ ठीक है सर, आपको मेरी तरफ से कोई तकलीफ नहीं होगी। तकलीफ तो मुझे हो रही है, एक ऐसे लड़के को लाने के लिए कहा था तुम लोगों से जो पति ना हो पर पति की एक्टिंग कर सके। अब यहाँ कोई पार्टी वार्टी नहीं होने वाली है, कह दो सबसे चले जाए। मैडम माँ जी आ रही हैं। शाम की पार्टी की सारी तैयारियां हो गई बेटी? हाँ माँ, पार्टी के बारे में ही तो इन लोगों से बातें कर रही थी। दामाद जी बता रहे थे कि वो तुझे पाकर बहुत खुश है। जैसा मैंने सोचा था उससे भी सुंदर और समझदार है मेरा दामाद। अपने दोस्तों को इसलिए पार्टी दे रहा है ताकि वो तुझे उनसे मिलवा सके। जानती हूँ माँ, उन्होंने बताया था मुझे। ये क्या है रे, मैंने तो सोचा था जॉनी की पार्टी किसी छोटे से होटल में होगी, लेकिन ये तो किसी फिल्म स्टार की पार्टी लग रही है। इतना पैसा कहाँ से आया? उसकी पत्नी बहुत पैसे वाली है। मेरी पत्नी से भी ज्यादा पैसे वाली? आपकी पत्नी वाटा है, उसकी पत्नी टाटा है। सर सर आइए ना सर। क्या हुआ सर, ऐसे क्यों देख रहे हैं? तो फिर कैसे देखूं? मैंने सोचा पति पत्नी दोनों एक साथ आकर मुझे रिसीव करेंगे, लेकिन तुम तो अकेले आए हो। सॉरी सर गलती हो गई, आइए आइए ना सर, आप यहाँ इस कुर्सी पर बैठिए सर। ये कोई सीएम की कुर्सी नहीं है जो इतना बिल्डअप दे रहा है। सर का वेट मत करो, सर आ गए हैं, पार्टी स्टार्ट करो। ये वेट सर का नहीं, इसकी पत्नी का हो रहा है, अभी वो अंदर तैयार हो रही है। अभी वो तैयार हो रही है?
ससुराल सिमर का सीरियल शुरू होने से पहले मैं चला जाऊंगा, मैंने पहले ही बता दिया था। अगर यहाँ लेट हो गया तो तुम्हें टीवी यहीं अरेंज करनी पड़ेगी। बॉस की कोई वैल्यू है कि नहीं? I want some entertainment here. सर, एंटरटेनमेंट कहकर चिल्लाओगे तो आपका बीपी हाई हो जाएगा, आप मर भी सकते हो। सर, हाँ? मैं अभी आपके लिए स्कॉच भिजवाता हूँ, आप रिलैक्स कीजिए प्लीज सर। अरे सुनो भाई, सर साहब यहाँ बैठे हुए हैं। सॉरी सर, ये फॉरेन स्कॉच है, ओनली फॉर वीआईपीज। अरे जॉनी, सर तूने तो कहा था कि मैं तेरी पार्टी का चीफ गेस्ट बनूंगा, और इसकी नजरों में चीफ गेस्ट तो क्या, मेरी तो वीआईपी रेंज भी नहीं दिख रही। सर कौन है पता है, आज की पार्टी के चीफ गेस्ट हैं ये। सॉरी सर, इन्हें देख के लगता तो नहीं है। मतलब सूट बूट में मैं भिखारी दिखता हूँ? नहीं सर, पार्टी में बुलाकर पब्लिक के सामने इतनी बड़ी बेइज्जती? नहीं सर, मैं सीरियल में भी उस काम वाली बाई की इतनी बेइज्जती नहीं हुई थी। ए, हाँ सर, जाकर कार निकालो। ओके सर। प्लीज मेरी बात सुनिए सर। सर 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 प्लीज सर, सॉरी सर। सर रुक जाइए ना सर, मेरी बात सुनिए। मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। तेरी पत्नी में पार्टी मैनर्स नहीं है क्या? अगर होते तो इतनी लेट कभी नहीं आती। तेरी पत्नी अपने आप को मिस इंडिया समझती है क्या? खुद पार्टी में लेट आना और अपने चीफ गेस्ट को वेट कराना मुझे पसंद नहीं। गलती हो गई, बोल तो रहा है सर वो। आई एम सॉरी सर। तुम्हारी सॉरी नहीं सुननी मुझे। बुला अंदर मेकअप कर रही है अपनी पत्नी को, और बोल उसे यहाँ आकर मुझसे सॉरी बोले, तब जाकर मैं माफ करूंगा उसे। सर मेरी पत्नी आ गई, बस एक मिनट में आता हूँ। पूजा, ये है मेरे बॉस, तुम्हारी वजह से लेट हो गए, इन्हें सॉरी बोल दो ना। सॉरी मैडम? अरे आपको नहीं बोलना है सर, सुनो ना, सॉरी बोल दो ना। सॉरी मैडम। अरे सर, आप तो भाभी के मुझे सॉरी सुनना चाहते थे, फिर आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? मुंह बंद कर। सॉरी कोई भी बोले सॉरी ही होती है, वैसे भी साड़ी पहनने वालों से सॉरी नहीं बोलवाना चाहिए। आप जैसी सेलिब्रिटी को सिंपल ट्रीटमेंट देने के लिए हमें सॉरी बोलना चाहिए सर। आप अंदर आइए ना, अच्छी ट्रीट देंगे। अब वो ट्रीट किस लिए भाई? अरे आप जाइए ना सर, आप शर्माते बहुत हैं सर। जॉनी, मैं यहीं पर बहुत कंफर्टेबल हूँ। जॉनी, जॉनी एक मिनट सुनो ना सर, वन मिनट, मैं अभी आता हूँ। अच्छा मैडम, पार्टी आपकी है, ये जाने बिना कुछ ज्यादा ही बोल गया मैं, मुझे जाने दीजिए मैडम। जाने दूंगी, लेकिन पहले जिसे अपसेट किया है ना आपने, उसे इम्प्रेस करना पड़ेगा। हाँ? इम्प्रेस उसे कैसे इम्प्रेस करना होगा? एक बार फिर से मेकअप करना होगा। इतनी सी बात के लिए मेकअप तक क्यों जाना मैडम? समझ गया। सर आपने मुझे बुलाया, तुम्हें एक ब्रेकिंग न्यूज देनी है। ब्रेकिंग न्यूज सर? कैसी न्यूज? कांग्रेट्स, तुम्हारा प्रमोशन कर रहा हूँ जॉनी। सर ये कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है सर, ये तो शॉकिंग न्यूज है। मैं भी शॉक हो गया था राजा, तू क्या है, तेरी स्ट्रेंथ जानकर तू बिल्कुल भाग्य विधाता सीरियल के हीरो की तरह इतना सिंपल कैसे रह लेता है? सर सच में तू मामूली इंसान नहीं हो सकता। ये आप क्या बोल रहे हो सर? कल जब मैं तेरी पार्टी में आया। हाँ आए थे, मुझे पता है। तुम्हारी पार्टी इंजॉय करते वक्त मुझे कॉल आया, L&T प्रोजेक्ट फाइनल हो गया। कांग्रेट्स सर। जिसकी वजह तुम ही हो जॉनी। थैंक यू सर। जॉनी आज से ही ये ऑफिस अब तुम्हारा ही है, तुम्हारा मूड हो तो काम करो वरना आराम करो, क्योंकि तुमने अब तक मेरे लिए बहुत कुछ कर दिया है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जीते रहो राजा, गॉड ब्लेस यू राजा। सर अभी प्रोजेक्ट फाइनल कहाँ हुआ है जो आपने जॉनी को प्रमोशन दे दिया? मेरी बात सुनोगे तो तुम अपनी कंपनी ही जॉनी के नाम कर दोगे। सॉरी डॉन मैडम, वो आपके पति है मालूम नहीं था, और आप उनकी पत्नी है उसने बताया ही नहीं था। उन्हें डॉन का पति कहलाना पसंद नहीं है, और अगर किसी ने उन्हें बताया तो उन्हें बहुत दुख होगा, और अगर उन्हें दुख हुआ तो मुझे दुख होगा। आप जो समझा रही हैं मैं समझ गया मैडम, आज ही जॉनी का प्रमोशन हो गया मैडम। मतलब जॉनी डॉन का पति है और आपने उसे बहुत टॉर्चर किया है, कहीं ये बात वो अपनी पत्नी को ना बता दे, इसलिए आपने उसे प्रमोशन देकर इम्प्रेस किया है, यही है ना आपका प्लान? सुन बे, अगर तूने ये बात किसी को बताई ना तो हम दोनों का इसी माउस से वो मर्डर करवा देगी, याद रखना। ओके सर। हेलो पूजा, कहाँ हो तुम? ऑफिस में। अर्जेंटली तुमसे एक जरूरी बात करनी है, तुम फौरन नीचे आ जाओ ना। इस वक्त कहाँ हो तुम? तुम्हारे ऑफिस के लॉबी में हूँ। ऑफिस? वही बार्कलेस के ऑफिस में हूँ। ओके ओके, तुम वही थोड़ा वेट करो। ठीक है। बार्कलेस ऑफिस पहुँचने में कितना टाइम लगेगा? 15 मिनट्स मैडम। थोड़ा तेज चलाओ। Excuse me? Yes, sir? आप पूजा को लाइन कनेक्ट कर सकती हैं? सरनेम प्लीज। सरनेम पूजा।
पूजा पूजा श्रीवास्तव। यहाँ इस नाम की कोई नहीं है सर। वो यहाँ नहीं है मतलब? अरे वो यही नौकरी करती है, आप जरा वापस देखिए ना। सॉरी सर, ऐसी कोई नहीं है। जॉनी मैं यहाँ हूँ। ओह तो तुम वहाँ हो। मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। जानता हूँ, लेकिन तुम्हारा एम्प्लॉय लिस्ट में नाम भी नहीं है। क्या नाम पूछा आपने? पूजा श्रीवास्तव पूछा था। पूजा श्रीवास्तव, पूजा शर्मा पूछना था ना। बोला था ना आपको शादी के बाद सरनेम चेंज करवाने के लिए। ओह मेरा सरनेम लगवा दिया क्या? पूजा मेरे साथ बाहर चलोगी क्या? कहाँ चलना है? तुम कार में बैठो तो सही, मेरा प्रमोशन हो गया है। कांग्रेट्स। हाँ थैंक यू, ये हैप्पी न्यूज तुम्हारे साथ शेयर करने के लिए ही मैं तुमसे मिलने आया। आई वांट टू गिव यू अ ट्रीट। ये जमीन कभी हमारी थी, तुमने बेच दी, कब्जा कर लिया। तो कंप्लेन क्यों नहीं की? वो बहुत बड़ा गुंडा है, कंप्लेन करेंगे तो वो हम सबको मार डालेगा। पूजा मेरी जिंदगी के सिर्फ दो ही ड्रीम्स हैं, पहला तुम जैसी खूबसूरत लड़की से शादी करके पूरा हो गया, और दूसरा था अपनी जमीन पर एक अच्छा सा मकान बनाओ। एक तो सच हो चुका है, दूसरे को बुरा सपना समझकर भूल जाऊंगा। मैं भी क्या बातें करने लग गया। क्या बिरयानी आज ही खाने को मिलेगी बॉस? दुबई की डील हो गई तो रोज खाने को मिलेगा। डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन। हेलो परदेसी बाबू, कैसे हो? तुम्हारा वो बग्गा क्या बकता है? hey, मैं खुद बग्गा बोल रहा हूँ। बॉस जी कैसे याद किया? अपनी फॉर्मेलिटी साइड में रखो और बताओ मेरा काम हुआ या नहीं। उसी काम में लगा हूँ, वन मिनट बॉस। ए वो गोली दे, उस बंदूक को इधर ला, वो AK-65 भी दे। hey, AK-65 नहीं, AK-47 होता है। AK-47 ओल्ड वर्जन, AK-65 न्यू वर्जन, अपडेटेड माल है बॉस। वैसे बहुत मेहनत करके ढूंढा है बॉस। मुझे तुम्हारा ढूंढना कम और ठूंसना ज्यादा लग रहा है। थोड़ी भूख लगी थी तो बिरयानी खा रहे हैं बॉस। बिरयानी बिरयानी बिरयानी, रोज रोज तुम लोग एक बिरयानी ही खाते हो। रोज रोज एक ही बिरयानी कैसे खा सकते हैं बॉस? परसों मालवनी बिरयानी थी, और कल लखनवी बिरयानी थी, और आज हैदराबादी बिरयानी है। कल कौन से मंगाएगा तू? अरे शट अप! तुम जैसे बेवकूफों के साथ डील करने के लिए मुझे एक परदेसी को पीटना होगा। उस बुलेट को पकड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं है, मैं समझ गया हूँ। इसलिए मैं अपने आदमी भेज रहा हूँ, उस बुलेट का एड्रेस पता करो, बाकी सब देख लेंगे मेरे आदमी। बॉस बॉस, वो बग्गा हमारी हिस्ट्री जाने भी नहीं हमारी धज्जियां उड़ा रहा है, अब मुझे मैदान में उतरना होगा। मुर्गे की टांग इधर दे, मैं खाऊंगा। एक ही बार में कट जाना चाहिए, चल काट डाल, काट डाल से। ए, वो नारियल काट रहा है, किसी का गला नहीं। जो ऐसे चिल्ला रहा है तू? इसके चाकू में धार नहीं है भाई, इसलिए मुझे चिल्लाना पड़ रहा है। इस तरह चिल्लाने से चाकू में धार आएगी क्या? इस तरह चिल्लाने से कुत्ते भौंकने लगते हैं, जरा दिमाग का इस्तेमाल कर। समझ गया भाई। छी छी, तू कभी बदलने वाला नहीं। हेलो बापू, जॉनी हैदराबाद में है, मुझे अभी पता चला। अच्छा, जाकर ढूंढना लायक। अभी जाता हूँ बापू। अरे तुम्हें फूल पसंद नहीं है क्या? वो क्या है ना, ऑफिस में प्रमोशन मिला तो सोचा कि यहाँ भी मुझे प्रमोशन मिल जाएगा। कितने दिनों से तुम मुझसे दूर हो पूजा, सोचा तुम्हें डर लग रहा होगा, लेकिन अब कुछ और ही लगता है। बोलो, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं उसे सुधार लूंगा। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बोलो ना। ठीक है, मैडम कॉफी। मैडम जॉनी साहब मुझे कुछ परेशान लगते हैं, अगर ये बात माँ को पता चली तो कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए। उन्हें कैसे खुश करना पड़ेगा ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मेरे को समझ में नहीं आता, पूजा मुझसे दूर क्यों रहती है? जब भी मैं उसके पास जाता हूँ वो मुझसे दूरियां बना लेती है। तूने जिस लड़की से शादी की है वो मॉडर्न लड़की नहीं है, संस्कारी है, थोड़े दिन के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। अरे तूने देखा ना, छोटी माँ सीरियल के बेटे की तरह बहुत बड़े डॉन का हस्बैंड होते हुए भी कितने प्यार से गुड मॉर्निंग बोल रहा है। रियली ही इज वेरी ग्रेट। हेलो
जॉनी हाँ? शाम को जल्दी घर आ जाना, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। जिस ड्रीम का तुम इंतजार कर रहे थे वो आज शाम को पूरा हो जाएगा। हाँ ठीक है। किसका फोन आया था? मेरी पत्नी का। ग्रीन सिग्नल दे दिया, शाम को जल्दी घर बुलाया। अरे हेलो हेलो, बोलो बोलो बोलो, खेलो बोलो बोलो, खेलिए लपका। अरे मस्ती भरा, रोमांस भरा, एंजॉय भरा, ये गेम लपका बनाते लाइफ सुहानी। लव है रॉक जिंदगानी, कहीं ना वेस्ट कर देना जवानी। आई लव यू लव यू लव यू लव यू, कहते तू किसी से। अरे किसमी 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 किसमी, कहते तू कुड़ी से। हेलो बोलो बोलो बोलो, खेलो बोलो बोलो, खेलिए लपका। तू कर ले आ शुरू, दिल से दिल का मेल शुरू। लव कर ले तू, सोचने में लवर नहीं खोना। ये लव का है जुनून, दिल को देगा ये सुकून। हाँ एक दिन तो प्यार तुझे भी मुझसे है होना। पागल हम तो हो चुके, आशिक हो गए तुझ पे, जानम इश्क में हो गए दीवाने। तू लव मी लव मी लव मी लव मी, अब तो ये कह देना। अरे लक्ष्य मिला है चांस बेबी, इसको तू ना खोना। सुनो जी, मोगरे का गजरा देना। ठीक है सर। ये लो। ये आदमी तो हमारे घर में होना चाहिए था। ये यहाँ सूट बूट पहनकर क्या कर रहा है? पीछा करता हूं। पूजा को फोन करके बताता हूँ इसके बारे में। स्विच ऑफ क्यों रखा है? यू टेक केयर ऑफ जीजा। कहाँ हो तुम? जीजा इधर हूँ। समझो बुलेट का एड्रेस मिल गया जीजा। एड्रेस ढूंढने के लिए भीकू अकेला निकला है जीजा। समझो आज वो हाथ लगी जाएगी। उसे पकड़ना किसी अकेले के बस की बात नहीं है। अपने सारे आदमियों को भेजो, जाओ। ओके जीजा, भेजता हूँ। दुबई में उस बग्गा का आतंक बढ़ता जा रहा है, इन्फॉर्मेशन मिली है मैडम। तुम चिल्लाओ तो हल्ला और मैं चिल्लाऊं तो जल जला। बुलेट का मतलब मैंने तो सोचा था कि तुम बहुत ही खतरनाक दिखती होगी, पर तुम तो बच्ची निकली। तू कहां आकर क्या बकवास कर रही है? तू जानता नहीं है, तू मरेगा। मार दोगे? तुम्हें एक कहानी सुनाऊं। एक घने जंगल में एक शेर रहता था। शेर की गुफा के पास गलती से कुत्ता पहुंच गया। शेर को देखकर वो भागा। शेर भी उसके पीछे भागने लगा। उसके बाद शेर ने उसे खा लिया। इस कहानी को उल्टा करके बताऊं। अनजाने में एक शेर कहीं से आ गया। शेर को देखकर वहां सब लोग भागने लगे। शेर भी उनके पीछे भागने लगा। शेर ने वहां उन सबको पकड़ लिया और सबको खा गया। क्या तुम जानती हो शेर कौन है? वो मैं हूं। आई एम द लायन। शेर शिकार करने हमेशा अकेला ही निकलता, जानती हो तुम? वो सिर्फ मारता है। निडर शेर की तरह यहां आने वाला कौन है? भीखू मात्रे।
चुपचाप मेरे साथ चलोगे तो ठीक, वरना खींच के ले जाऊंगा, उठा के ले जाऊंगा। तुम्हें मेरे साथ कैसे चलना कन्फर्म करो, चॉइस इज योर्स। इस भीखू महात्रे का काउंटडाउन स्टार्ट्स, 1, 2, 3। ये सब क्या हो रहा है? कौन है अंदर? शादी करनी है। तुमको ये लड़की चाहिए? पूजा श्रीवास्तव। ऐसी कोई लड़की नहीं है सर। दुबई को मुट्ठी में रखने वाली वो एक डॉन है। फिर उसने मुझसे शादी किस लिए की? उसे से जाकर पूछना होगा। इतनी देर कैसे हो गई? सब बाद में पता चला मुझे, इसलिए देर हो गई। क्या कहना चाहते हो तुम? और एक्टिंग मत करो, तुम दुबई की डॉन हो, अब पता चला मुझे। चाय पिलाने वाले हाथों से तुम गोलियां चलाती हो। साड़ी में तुम्हें पहली बार देखा तो तुम संस्कारों वाली लग रही थी, लेकिन तुम तो एक माफिया चलाने वाली डॉन हो। तुमने मुझसे सच्चाई छुपाकर मुझसे शादी क्यों की? प्लीज गुस्सा मत करो। गुस्सा ना करो तो क्या करूं? सब जान गया हूं, तुम्हारा कैरेक्टर क्या है या सबको बता दूंगा मैं। जॉनी मेरी बात तो सुनो। मैं तुम्हारा भांडा फोड़ कर रहूंगा। ए, क्या बोला तू? शांति से खड़ी हूँ तो ज्यादा ही उछल रहा है। खाली पड़ी बोतल की तरह लग रहा है तू। बोतल ही फोड़ दूंगी। यस, धोखा दिया है मैंने तुझे, लेकिन जानते हो क्यों? मेरी माँ की जिद की वजह से मुझे शादी करनी पड़ी तुझसे। अब तुझे यहीं रहना पड़ेगा, और डॉन वाली बात अगर किसी को पता चली तो तुझे और तेरी फैमिली को जान से मार डालूंगी। नहीं नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, प्लीज मुझे मत मारो। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, प्लीज प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। क्या हुआ सर, आप कार का हॉर्न क्यों बजा रहे हैं? ऐसे ही मजा आ रहा था। आप जाइए, मैडम इंतजार कर रही है। देर कैसे हो गई? मुझे देखकर रुक क्यों गया? कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। पसीना क्यों आ रहा है आपको? जाइए जाकर फ्रेश हो जाइए। ऐसे सिचुएशन में सुहागरात वैसे ही बनेगी जैसे गूंगे को माइक देकर बोलो अब तू गाना गा। कैसे गाएगा वो? मुझे भी गूंगा बनना पड़ेगा। बस अभी आया। अब इससे क्या हुआ? ऐसे देख रही है जैसे मुझे पहली बार देख रही हो। ले लो। क्या लूं? सरप्राइज गिफ्ट। क्या है ये? तुम्हारी जमीन के पेपर्स। तुम्हारी देने वाली सरप्राइज ये थी क्या? तो तुम क्या समझे थे? कुछ नहीं। ये बताओ, ये पेपर्स तुम्हें किसने दिए? मेरे अंकल की पहचान के एक एमएलए हैं, उन्हीं के साथ जाकर शंकर यादव से ये पेपर्स ले लिए। मैडम मुझे माफ कर दो, आप जैसा कहेंगे वैसा करूंगा। एक घंटे के अंदर वो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास होने चाहिए। ठीक है मैडम। अब ऊपर क्यों देख रहे हो? अब तो कोई ड्रीम नहीं बचाना। वहां इतने लोगों को मारकर यहां ये इतनी शांति से कैसे सो सकती है?
बाप रे। तुरंत मुझे यहां से भागना होगा। क्या नहीं आए? क्या हुआ? डर रहा है? ओए, जीजा को क्या समझा है? दुबई को हिलाकर रखने वाले अंडरवियर डॉन है। तू फोन रख साले। अंडरवियर डॉन नहीं बेवकूफ, अंडरवर्ल्ड डॉन बोल। उनके बस की बात नहीं, लगता है मुझे ही इंडिया जाना होगा। ओए, जाके सूटकेस में अंडरवियर डाल। हाँ, ठीक है जीजा। आरती लीजिए बाबू। मेरी लाइफ की घंटी बजाकर मुझे ये आरती दे रहा है। क्या सोच रहे हैं आप? आरती लीजिए बाबू। साला पंडित होकर काम वीरप्पन की जबरदस्त नाटक चल रहा है यहाँ पर। मतलब तूने जिससे शादी की है वो लेडी डॉन है? हाँ। जब तुझे पहले से पता था तो तूने उससे शादी क्यों की? मुझे शादी के बाद पता चला यार। मुझे लगता है उसने अपनी जरूरत पूरी करने के लिए तुझसे शादी की। मतलब जरूरत पूरी होने पर तुझे मार डालेगी। शादी के बाद लोगों को पत्नी मिलती है, लेकिन तुझे तो जेम्स बॉन्ड मिली है। अब क्या करेगा तू? मैं चुपचाप अपने घर भाग जाऊंगा। इसके बारे में भी पापा को कुछ नहीं बताऊंगा। उन्हें पता चला तो स्पॉट पर ही अटैक आ जाएगा। बोला। उन्हें ये बात बताए बिना ही अपने दोस्त को घर बुला लूंगा और वहीं पर छुपकर रह लूंगा। लेकिन बॉडी कहाँ छुपाएगा? फालतू जोक मत कर। सोचा था शादी करके जीवन सुधर जाएगा, लेकिन मेरी तो शादी करके जिंदगी खराब होने वाली है। अरे क्या हुआ रे? टायर पंक्चर हो गया। शादी करके सेटल हो जाऊंगा सोचा था, पता नहीं मेरे नसीब में क्या लिखा है। लिफ्ट लिफ्ट प्लीज लिफ्ट। सर कार का टायर पंक्चर हो गया है। सॉरी भाई, मुझे पंचर बनाना नहीं आता। ना ना, पंक्चर नहीं बनाना है सर, हमें तो सिर्फ लिफ्ट चाहिए। आ जाओ। ए आजा। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? बोला तो था सर कार का टायर पंक्चर हो गया। मैंने तुम्हारी कार के बारे में नहीं पूछा। फिर मेरी बहन के साथ तेरी इनसे बात करना बेकार है। अब तो आपको कार के फेंक देता हूं। मर जाएंगे तो कैसे बोलेंगे? जिंदा रहेंगे तभी तो बात करेंगे। फिल्मी डायलॉग बोलने से कोई फायदा नहीं, कुछ तो सीखो मुझसे। मेरी बहन से एंगेजमेंट करके कहां भाग गया था तू? आप लोगों का झगड़ा देखकर मैं डर गया था भाई। बच्चों की तरह बिठा कर क्या पूछ रहे हो भाई? दो चार लगा तो सब बता देगा। सर इसे चिल्लाने से मना कीजिए सर। क्यों? मुंह पे इतना थूक दिया है कि पोछा भी नहीं जा रहा। तू बाहर जा, अब चलकर शादी कर ले। हाँ भाई, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ए, इसे पता क्यों नहीं देता कि तेरी शादी हो गई है? इसे पता दिया तो ये हमें मैगी नूडल्स की तरह चबा जाएगा। अब तुमने क्या सोचा है? ओके भाई, मैं अब शादी कर लूंगा। वेरी गुड। भैया, मैंने ताऊ को फोन कर दिया है, वो यहीं आ रहे हैं, वो खुद बात करेंगे इससे। थोड़ा धीरे बोलना भाई। ताऊ जी को फोन कर दिया है, वो यहीं आ रहे हैं। ऐसे ही बोलना, बेकार में बीपी मत बढ़ाओ। वैसे भी तुम दोनों का मेडिकल नहीं। तुम दोनों बाहर जाओ। मेरे बापू बहुत गुस्से वाले हैं, बात करने से ज्यादा मर्डर करना आसान लगता है। मैं तुम्हें एक प्लान बताता हूँ, तुम दोनों उस रूम में छुप जाओ। बापू का गुस्सा शांत होते ही तुम दोनों को मैं बुला लूंगा। चुटकी बजाते ही बाहर आ जाना। जाओ। ठीक है भाई। ताऊ, कहाँ है वो लड़का? कहाँ है, जल्दी बता। क्या हाथ लगते ही मार डालोगे? हमें लता की शादी करनी है उससे, ना कि मारना है। आप इतने गुस्से में क्यों हैं? आप उसे ढूंढ रहे थे, अब वो मिल गया, अब शादी हो जाएगी। वो तो ठीक है, लेकिन दूल्हा कहाँ है? आपसे डर रहे थे इसलिए मैंने उन्हें सामने वाले कमरे में छुपने के लिए बोला। ठीक है ठीक है ठीक है, शांत हो गया शांत हो गया। वो कहाँ है बता? चुटकी बजाते ही आ जाएंगे। तो बजा देना। मुझे सुनाई नहीं दिया, उसे कैसे सुनाई देगा? जोर से बजाना। उसे सुनाई नहीं दे रहा होगा, तुम लोग बार 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 बजाते जाओ रे। क्या रे, मुझे शांत करने के चक्कर में खुद लल्लू बन गया? फैशनिस्ट को फैशन बताता है? तेरी बेवकूफी की वजह से हाथ आया हुआ शिकार भाग गया, कहाँ ढूंढेंगे उसे? बाप रे, बाल बाल बच गया मैं। हेलो जॉनी को फोन। हाँ अंकल, एक मिनट। तेरे पापा? जॉनी। हाँ पापा। कल से तुझे मैं फोन लगा रहा हूँ, स्विच ऑफ क्यों आ रहा है? बैटरी खत्म हो गई थी पापा, मैं आपको फोन करने ही वाला था, लेकिन अच्छा हुआ आपने फोन कर दिया। आप अपना सामान बांधकर तैयार रहिए, मैं आपको लेने के लिए आ रहा हूँ। तुझे आने की कोई जरूरत नहीं है, हम ऑलरेडी पहुँच गए। पहुँच गए हो? कहाँ पर? आप लोग यहाँ कितने दिन रुकोगे? क्या भैया, कब आए पूछने की वजह कितने दिन रुकोगे पूछ रहे हो? क्यों नहीं पूछेगा, बचपन में इसकी माँ ने सामान की तरह ढोया था ना, अब ये हमें सामान समझकर बाहर फेंकना चाहता है। इसलिए कहा जाता है गाय पालो दूध देगी और बेटा पानी भी नहीं। ए अपने दोस्त को तू बदल नहीं सकता क्या? कोशिश तो कर रहा हूँ। बाप रे।
पापा मेरा मतलब वैसा कुछ भी नहीं है, मैं तो इसलिए पूछ रहा था आपसे ताकि मैं भी छुट्टी लेकर आपके साथ रह सकूं। अभी अभी तो वो घर आए हैं और तुम ऐसे सवाल कर रहे हो, 10-15 दिन तो वो रह के जाए। आइए खाना खा लीजिए। पूजा उस बैग में मेरे कपड़े हैं, वॉशिंग मशीन में मत डलवाना, सामने खड़े होकर धुलवाना ठीक है? दीदी वो सब नौकर कर लेंगे, तुम खाना खाओ जाओ यहाँ से। दीदी सच जाने बिना कुछ ज्यादा ही बोल गई, सच्चाई जब पता चलेगी तो कोमा में चली जाएगी। क्या है ये सब, घर में कपड़े बर्तन करने के लिए नौकर चाकर नहीं है क्या? उनकी हिम्मत तो देखो, मुझसे काम करवाएंगे। भाभी उससे सब नंदे ऐसी बातें करती है मैडम, आप उनकी बातों का बुरा मत मानो, कान में ब्लूटूथ लगा लीजिए, आपको क्या करना है वो सब कुछ मैं मोबाइल से समझा दूंगी। घर में जब इतने सारे नौकर हैं तो तुम खाना क्यों परोस रही हो, बैठो बेटी। ना ना मैडम बैठना नहीं, आपके खाने के बाद ही मैं खाना खाऊंगी ऐसा बोलो। आपके खाने के बाद ही खाना खाऊंगी। बहू भले ही फॉरेन में पली बड़ी है लेकिन अपने संस्कारों को अच्छी तरह जानती है। संस्कारी तरीके से ही है, खून भी करती है। सब कुछ है लेकिन प्याज दिखाई नहीं दे रहा है, पूजा जरा प्याज काट कर लाना। तो बाप रे यमराज को प्याज लाने बोल रही है, अब ये लो दीदी। क्यों रे मैं तुझे कब से देख रही हूँ, पूजा को एक भी काम नहीं करने देता। वो क्या है दीदी, ये प्याज काटेगी तो इसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे ना। आंसू आएंगे उसके बाद क्या? बाप रे, फिर उसे गुस्सा आएगा, उसके बाद दीदी के लिए एम्बुलेंस आएगी। मैडम बातें करेंगी तो मिलनसार लड़की समझेंगे, आप उनसे बातें करते रहिए। प्रवीण जी आजकल आपके पिताजी कहाँ हैं? ये मेरी फैमिली के बारे में क्यों पूछ रही है, कहीं उन्हें भी तो। बाप रे वो मेरे पैदा होते ही मेरे बाप ने मुझे कचरे के डब्बे में डाल दिया था, माँ कसम। जब मेरे बाप की हरकत मेरी माँ को पता चली तो वो भी मुझे हरामी की औलाद कहकर पता नहीं कहाँ चली गई। वो तो इसने मुझे खाने पर बुलाया था, आप बोलो तो अभी हाथ धोकर चला जाता हूं। जवाब दिए बिना फिजूल की बातें क्यों कर रहा है ना पापा, इसके पापा को पागलपन के दौरे पड़ते हैं, उनके बारे में कोई पूछता है तो ये भी पागलों जैसी हरकत करने लग जाता है। चिकन अच्छा बनाया है तुमने, बनाया है? प्लम्बर आया है, फोन किसने किया? मैंने ही किया था। मैंने ही किया था? कैसे बनाया था? टेलीफोन डायरेक्टरी में से। टेलीफोन डायरेक्टरी में से? टेलीफोन डायरेक्टरी देखकर चिकन बनता है क्या? कह नहीं सकता, दुबई में बनता होगा। टेलीफोन डायरेक्टरी देखकर भी चिकन बनता है? इसने डरा धमका क्यों उन लोगों से, जरूर चिकन बनाने की रेसिपी लिखवाई होगी डायरेक्टरी में। मैडम भाजी वाला आया है। दबाओ मत, दबाओ मत, दबाओ मत बोला ना, दबाओ मत बोला ना। देखा तुमने अपने भाई को कितना ओपनली सबके सामने रोमांस कर रहा है। चुप रहिए। इस उम्र में सब चलता है बेटा, अब जल्दी से एक बिटिया दे दो, उसमें मैं तुम्हारी माँ को देखूंगा। माँ को? हाँ बेटा, इसको अगर बेटी हुई तो मैं समझूंगा बेटी के रूप में इसकी माँ आ गई, और बेटी तो माँ समान होती। उसका तो पता नहीं अंकल, अगर गड़बड़ हो तो ये जरूर अपनी माँ के पास पहुँच जाएगा। मेरा पोता जो भी हरकतें करता है वो बिल्कुल अपने दादाजी की तरह ही करता है। दादाजी कैसे हैं? दादाजी कैसे हैं? वो अब नहीं रहे आंटी। अरे बेटी मेरे पति तो 15 साल पहले ही चल बसे। लेकिन मुझे एक बार तो बताना चाहिए था ना। लेकिन मुझे एक बार बताना तो चाहिए था। मैं कैसे बता सकती थी, ये तो जॉनी को बताना चाहिए था। बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है। मेरे पिताजी के मरने का इसे कितना दुख है, मेरी बहू मुझसे भी ज्यादा सेंसिटिव है। ये अचानक फोन क्यों कट गया? और तुमने इतनी अच्छी लड़की को परेशान किया। सॉरी पूजा, तुम्हें बिना जाने ही मैंने न जाने क्या क्या कह दिया, प्लीज मुझे माफ कर दो। अभी अभी तुम्हारी शादी हुई है, तुम्हें इस तरह दुखी नहीं होना चाहिए बेटी, चल बैठ जा। अरे तुम्हारा हाथ कैसे कटा? चाकू मारते समय। चाकू मारा? किसको मारा तुमने बहू? किसी को नहीं मारा पापा, चाकू से सब्जियां काटते समय गलती से कट गया। अच्छा अच्छा अच्छा। देखा तेरी दादी शेर को खाना खिला रही है। मेरे घर वाले उसे जानते नहीं है, इसलिए सीता देवी समझकर उसकी सेवा कर रहे हैं, जब पता चलेगा ये फूलन देवी है जोर का झटका लगेगा। ये लीजिए सर आपके डिस्चार्ज फाइल। अब दोबारा कब मिलने आऊं? मिलने के लिए हाथ पैर तुड़वाने होंगे। ये मेरे रोमांस को भी नहीं समझ पाई। परदेसी भैया। मैं ब्लाइंड हूँ, इसे पता नहीं चलना चाहिए। भीखू मेरे भाई, how are you मेरे डार्लिंग। तू यहाँ मुझसे मिलने आया था या नर्स को पटाने? भीखू तुमने मेरे काम को अच्छा अंजाम दिया, उसी का थैंक्स बोलने चला आया। एनीवे ही इज माय बॉस। ये चिरकुट हाय भीखू, how are you? 4 प्लास्टर और 3 टाकों के साथ जी रहा हूँ। तो फिर चलो उसी के पास चलते हैं, आज ही उसे टपका देंगे। किसे टपकाओगे? उसे बच्ची समझने की गलती मत करना भाई, मेरी बात सुनो। उससे पंगा लोगे तो समझो तुम अपनी मौत से चैटिंग कर रहे हो। आपकी भलाई इसी में है कि आप चुपचाप जहाँ से आए हैं वहीं वापस चले जाइए, नहीं तो परलोक में बैठे आपके भाई के साथ आपका भी पिंडदान करना होगा।
मुझसे ही सुपारी लेकर मुझे ही वार्निंग दे रहा है। पान खिलाओ इसे। हे भगवान, मैंने तो मजाक किया था, तुम तो सच में हाथ पैर तुड़वा कर आ गए। आई लव यू। आधी रात को फोन क्यों कर रहा है तू? ए, तू मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं अपनी फैमिली के साथ साईं बाबा के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। पूजा को ऐसा बोला है मैंने, मेरी किस्मत अच्छी है, पूजा साथ नहीं जा रही है, तो वहाँ से भागने का मेरे पास एक अच्छा चांस है। कल सुबह ठीक 10 बजे तू सरदार जी के ढाबे पर कार लेकर पहुँच जाना। प्लान अच्छा बना है, लेकिन सक्सेस होगा क्या? परशुराम का वार और इस जॉनी का प्लान बेकार नहीं जाता। ये आए क्यों नहीं? दीदी, दादी कहाँ है? पूजा को साथ में चलने के लिए कह रही है, आती ही होगी। जैसे दादी के कहने पर वो चली आएगी, वो नहीं आने वाली। अगर वो दादी को ना नहीं कह पाई और आ गई तो? तू और तेरी काली जुबान। अरे ओ जॉनी, ये हमारे साथ नहीं चलने वाली है, इसे ऑफिस में बहुत सारे काम है, अब तू ही समझा इसे। दादी माँ, इसे ऑफिस में बहुत काम करना होता है, अगर काम नहीं होता तो ये जरूर चलती। आप चलिए बैठिए ना दादी। अच्छी, ये कौन बेवकूफ गधा है जो कार में बैठते समय छींक रहा है? दादी माँ, छींकने से दुनिया नहीं पलट जाती है, आप बैठिए। तू कुछ भी नहीं जानता है बेटा, मैं अंदर जाकर थोड़ा हल्दी का पानी छिड़क कर आती हूँ, तू यहीं रुक। हेमा, थोड़ा हल्दी का पानी दे मुझे। कैसे समझाऊं, समझ में नहीं आ रहा है मेरे। छोड़ना यार, वैसे भी छींकना अपशगुन होता है, रस्ते में कहीं एक्सीडेंट हो गया तो और भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। एक हफ्ते तक हिले डुले बिना इन्हें आराम करना होगा, समझ गए ना? टेक केयर। तेरी बदकिस्मती इस बार तेरी दादी के रूप में आई है, कहते हैं दरिद्रता को पानी पिलाओगे तो समंदर भी कम पड़ जाएगा। उसके घर के पास, उसके डेन के पास टाइट सिक्योरिटी है, तुम सभी लोग उस पर नजर रखना, जैसे ही वो बाहर दिखाई दे इन्फॉर्म कर देना मुझे। जाओ। पीश भैया, मुझे पैसे निकालने हैं, ये एड्रेस जरा बताओ ना। अरे तो इंग्लिश में लिखा है भाई। इंग्लिश में है क्या? बोलो मछली भाई, इतना सारा एक्सपीरियंस है आपको, हर आने जाने वाला डरता है आपसे, लेकिन इंग्लिश नहीं आती मुझे, तो यू कम है। ये एड्रेस है ना? हाँ भाई। यहाँ से सीधे जाना, उल्टे हाथ को मुड़ जाना, फिर आगे एक पक्की सड़क मिलेगी, वहाँ एक बिजली का खंबा होगा, वहाँ पर एक सफेद रंग का कुत्ता होगा, वो अच्छा कुत्ता है, काटता नहीं, वहाँ से राइट लेना, ये एड्रेस मिल जाएगा, जाओ यहाँ से। कुत्ता? वो पिछली बार वही बैठा था भाई, अब अगर वो वहाँ नहीं हुआ तो? कुत्ते के आने तक ये वेट कर सकता है ना भाई। चलो। वो बग्गा दुबई में नहीं है, ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है, मुझे लगता हैदराबाद आ चुका है। उस भीखू को पकड़ो और इंक्वायरी करो। यस, उसे पकड़ लिया तो प्रमोशन हो जाएगी। 2 दिन के बाद डिस्चार्ज होकर चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हें छोड़कर जाने का मन नहीं करता। फिर कुटकुटा के आ जाओ। मैं यहाँ कितने दिन भी रह लूं, लेकिन ये मेरी फीलिंग को नहीं समझ सकती। बातों बातों में लगता है दूसरे कमरे में आ गया। सॉरी, तुम सही कमरे में आए। फिर आप मेरे कमरे में गलती से आ गए। मैं कभी गलती नहीं करता हूँ। तो आप मुझसे मिलने आए हैं? आप कौन है भैया? अबे ओ साले भूतनी के, मैं तुम जैसे के लिए बादशाह से कम नहीं हूँ। सूर्य सिंह, मर्द की इकलौती पहचान। कौन है ये पागल? मेरी मर्दानगी के बारे में तुम? ए चुप, मेरी मर्दानगी के? चाइना के फोन पर इतनी जोर से नहीं हंसते, चाइना के फोन पर इतनी जोर से हंसेगी तो ये यहीं ब्लास्ट हो जाएगा और तू यहीं खड़े खड़े फट जाएगी। चल भाग यहाँ से, जब एक मर्द कुछ बोल रहा हो तो बीच में नहीं आते। चल भाग, नहीं तो शमशान घाट पहुंचा दूंगा। कूल, वो बग्गा कहाँ मिलेगा? कल उसने मुझे बहुत धोया था, हैदराबाद में ही है, लेकिन मुझे एड्रेस नहीं पता, भगवान कसम। तुम एक काम करो, तुम यहीं पर उसका इंतजार करो, पता चलते ही मुझे फोन पर इतला करना। तेरे अंदर अक्कल नाम की चीज है क्या? क्या? डिस्चार्ज हुए पेशेंट को अस्पताल वाले क्यों रखेंगे, तुम ही बताओ। ओ, तो ये प्रॉब्लम है, आई कैन सॉल्व इट। तुम्हें शर्म नहीं आती, हमेशा मेरे सामने कुटकुटा कर आ जाते हो। साला जो आता है हाथ साफ करके चला जाता है, आज तो तुम पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। मैडम, वो बग्गा हैदराबाद में, ये तो मालूम चल गया, लेकिन वो कहां ही पता नहीं चला। अगर आपकी शादी के बारे में उसे पता चला तो जॉनी सर पर अटैक कर सकता है। नो, जॉनी को कुछ भी नहीं होना चाहिए। आज के बाद जॉनी जहाँ कहीं भी जाएगा, हमारे आदमी हमेशा उसके आसपास रहेंगे। बाप रे। और जॉनी को पता नहीं चलना चाहिए कि वो हमारे आदमी, इसलिए आदमियों को हमेशा बदलते रहना। तुम्हें पता है मैं ये क्यों कर रही हूँ, मैनेज करो और जरूरत पड़े तो ठोक दो। ओके मैडम, जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। लगता है मेरा भागने का प्लान इनको पता चल गया। इस जीरो सी पर्सनैलिटी की इतनी लोग देखभाल करेंगे। Na 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 na
आपकी मदर की रिपोर्ट देखने के बाद आई एम रियली शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड। आपकी मदर इस एज में भी रिकवर कर रही हैं। उसकी वजह है उन्हें खुश रखना। गुड, कीप इट अप, ओके? क्या कहा डॉक्टर ने बेटी? सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं माँ। अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। जब तक तू मेरे पास है मुझे कोई भी टेंशन नहीं हो सकती मेरी बच्ची। तेरी माँ तो बन गई लेकिन तेरा लालन पालन नहीं कर पाई। शायद ये मेरी किस्मत में नहीं था। बचपन में ही तेरे पिताजी तुझे मुझसे दूर ले गए थे। तेरी यादों के सिवा मेरे पास और कुछ भी नहीं था। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ। अब मौत भी आए तो कोई चिंता नहीं। माँ पूजा बेटी, अब मुझे कोई नानी कहकर बुलाए यही इच्छा बाकी है। आपकी मदर इस एज में भी रिकवर कर रही है। उसकी वजह है उन्हें खुश रखना। अब मुझे कोई नानी कहकर बुलाए यही इच्छा बाकी है। सुनो मैडम, जैसे आपने नकली शादी करके जॉनी को घर जमाई बनाया, उसी तरह हम नकली बच्चे भी ला सकते हैं मैडम। अब मुझसे नहीं होगा। और वैसे भी आज तक मैंने अपनी माँ को धोखा ही दिया है। अब और नहीं। मैं कुछ समझी नहीं मैडम। सो रहा है इसका मतलब वो आपके करीब नहीं आना चाहता मैडम। जब जब उसने आपके करीब आने की कोशिश की आपने उसे दूर रखा। कहीं वो आपसे नाराज तो नहीं? तो मैं क्या करूं बताओ? उसकी नाराजगी दूर हो जाए कुछ ऐसा करती हूँ मैडम। इस पाउडर वाले जूस को पीकर साहब सचिन की तरह बैटिंग करने लगेंगे। अक्षय की तरह एनर्जी से भरपूर हो जाएंगे जॉनी साहब। इन्हें भी अभी बुलाना था। साहब को जो जूस पीना था वो मैडम ने पी लिया। हाँ, कोई भी पी ले, बात तो एक ही है। शुरू कर प्यार मेरी रानी, समा है प्यार का ये जुमानी, दिल में अरमा उठे तूफानी, कर ले प्यार में बेईमानी, कर ले प्यार में बेईमानी, कर ले प्यार में बेईमानी। प्यार की लगी मुझे लत प्यारी, प्यार में गई है तेरे मत मारी, बढ़ रही पल पल बेकरारी, आजा थोड़ी प्यार में हद सारी, कर ले प्यार में बेईमानी। प्यार का मजा दूं लबों से मैं तुझको, सीने से लगा लो आज तुम मुझको, छाया है मुझ पे तेरा जुनून, दे दे मुझको तू सुकून, सब कुछ तुझ पे मैं हारी, चढ़ गई तेरी खुमारी, सब कुछ तुझ पे मैं हारी, चढ़ गई तेरी खुमारी, कर ले तू कुछ गुस्ताखी गुस्ताखी, ए चल शुरू प्यार कर मेरी रानी,
जानी। लव का ये जादू चढ़ गया अब तो, उतरेगा कैसे अब तो बता दे तू। चिंगारी थोड़ी भड़कने दो, अरमान दिलों के जगने दो, प्यार में कर लेना धानी। बीते न घड़ियां ये सुहानी, आ प्यार में कर लेना धानी। बीते न घड़ियां ये सुहानी, बाहों में आजा मेरी रानी, मेरी रानी। नहीं! ए, सब देख रहे हैं यार। तूने खुद को बचाने के लिए कुछ नहीं किया क्या यार? समंदर से निकलने से पहले ही सुनामी आ चुकी थी यार। मैं नो नो करता रहा, लेकिन वो साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना चुकी थी। फिर क्या हुआ भाई? फिर क्या होना था? पहले उसने टच किया, उसके बाद मेरे ऊपर आ गई। मेरी टेंशन टेम्पटेशन में बदल गई, और उस कंफ्यूजन में मैं फंसा चला गया यार। तो फिर इस कंफ्यूजन को कंटिन्यू करोगे क्या? मैं करूँ या नहीं, लेकिन वो जरूर कंटिन्यू करने वाली है यार। मतलब खरबूजा चाकू पर गिरे या चाकू खरबूजे पर गिरे, कट्टा तो खरबूजे को पड़ेगा। ठीक वैसे ही जैसे सपेरा सांप को फंसाता है, या सांप खुद सपेरे के पास आ जाए। फंसता सांप ही है, लेकिन यहाँ तो सपेरा ही फंस गया। वो सांप नहीं बेटा, अजगर है। सपेरा बुलाओ जी। सपेरा मर गया, जाके अपना काम कर। बढ़िया ही पूछने वाली। हेलो, अरे सुनो मेरी बात एक बार सुनो। हेलो, अब ओके। किसका फोन था? दीदी का। हाँ। मेरे और पूजा के लिए कपड़े खरीदने हैं, सबको साथ ले जाकर शॉपिंग करना चाहता हूं। मैं अपना काम करके आता हूं। हेलो, तुम भी साथ चलोगी? दीदी, दीदी बोली है। ये कैसा लगा? शूट एंड विन डिस्काउंट ऑफर सर, आप जितने परसेंट पर शूट करेंगे उतना ही परसेंट डिस्काउंट मिलेगा। ट्राई योर लक, आप भी ट्राई कीजिए ना मैडम। मुझे शूट करना नहीं आता। जो इंसानों को शूट करती है वो इस बोर्ड को कैसे शूट करेगी? सॉरी। कितने आदमी हो तुम लोग बोल। ये ड्रेस कैसी है? बहुत अच्छी है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने बोला ना। देखिए दीदी, बेकार में आप जिद कर रही हैं। 15 दिनों में जॉनी जिया जी को ताऊ जी लेकर आएंगे, उन्होंने बोला है ना। आप परेशान मत होइए, कुछ खरीदारी कर लीजिए, वरना बड़े भैया मुझे मार डालेंगे। ठीक है चलो। ये जॉनी है ना? अब क्या हुआ यार? सामने देख, वो तेरी पत्नी नहीं है। अबे ये वही लड़की है जिससे मैं छुपता फिर रहा हूँ। मतलब ये वो वाली लड़की है। हाँ। सॉरी दीदी। इसका मतलब तेरी 7.5 पैदा होने से पहले ही शुरू हो गई थी और अभी तक खत्म नहीं हुई है। पिताजी जॉनी यही है। चल छुप जाते हैं। सॉरी बॉस, इस बार भी बच निकली। बॉस, उसके साथ उसकी फैमिली भी है। अगली बार मैं उसके साथ उसकी फैमिली को भी काट डालूंगा। क्या करें? सुन, यहाँ रहेंगे तो मेरे अपनों की जान खतरे में पड़ जाएगी। मुझे उन्हें सारी सच्चाई बताकर यहाँ से दूर ले जाना होगा। फिर से बच निकली हो,
अगली बार उसकी फैमिली को ही काट देंगे। क्यों बे? अब और किस किस को सुपारी देनी होगी? हाँ, जरूरत पड़ी तो देख लेंगे। लोकल गुंडे बेकार है। दादी माँ, आपसे एक बात कहनी है। जैसा आप लोग समझते हैं, मेरी पत्नी कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं है, वो दुबई की बहुत बड़ी डॉन है। मैंने सोचा था रक्त संबंधी फिल्म देखने को मिलेगी, रक्त चरित्र फिल्म देखने को मिल रही है। जल्दी से सोचो कि यहाँ से कैसे बाहर निकलें। वही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। क्या बेटा, दादी से कहानी सुन रहे हो क्या? पापा, सही समय पर आए हो। आपको याद है वो ताऊ की लड़की जिससे मेरा रिश्ता होने वाला था? याद है, लेकिन मैंने मना कर दिया था कि ये शादी नहीं हो सकती। लेकिन वो लोग जिद पकड़ के बैठे, उस लड़की की शादी होगी तो मुझसे ही होगी, इसलिए वो लोग मुझे पूरे शहर में ढूंढ रहे हैं। वो तो ठीक है, लेकिन ये बात तेरी पत्नी जानती है? वो बहुत बहुत सेंसिटिव है, अगर उसे पता चल गया तो वो सहन नहीं कर पाएगी, इसलिए उसे बताए बिना ही कोई बहाना करके तुम सबको यहाँ से जाना होगा। पूजा साथ नहीं चलेगी? वो यहाँ रहेगी, इसी में हमारी भलाई है। मैं ऑफिस जाकर कोई बहाना करके वहाँ आ जाऊंगा। ठीक है बेटा, आप कहीं जा रहे हैं क्या? क्या है ना बेटी, मेरे भाई के बेटे की शादी होने वाली है, बताया था ना तुझे। हाँ। अगर मैं नहीं गई तो बुरा मान जाएंगे, इसीलिए जाना पड़ रहा है। मैं जाऊं बेटी? ठीक है, जाइए दादी माँ। बाय। ओके, तुम ये पकड़ो। क्या हुआ, बाहर क्यों आया? यार, मैंने अपनी फैमिली को मस्जिद के बाहर इंतजार करने बोला है। हाँ। वहाँ वो लोग इंतजार कर रहे हैं और यहाँ ये गैंग मेरा इंतजार कर रही है। यहाँ से वहाँ कैसे जाऊँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और कितना इंतजार करना पड़ेगा जॉनी का, अब तक आया क्यों नहीं? उधर देखो, बाबू, लता ने यही जगह बताई थी, जाकर ढूंढो उस लड़के को। माँ, लगता है उन्होंने हमें देख लिया है, हमारी तरफ ही आ रहे हैं, लगता है हम बेमौत मरेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, तू आ मेरे साथ। हेलो, तूने जहाँ हमें इंतजार करने को कहा था वहाँ नरसिंह यादव की गैंग आ चुकी है। तू अभी तक आया क्यों नहीं बेटा? बस ऑफिस से निकलने वाला हूँ, तुम एक काम करो, सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पहुँचो। हाँ। मैं सीधा वहीं आता हूँ। जल्दी आना भाई। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन कौन सी बस जाएगी बता सकते हो? 120 सी जाएगी। दादी माँ, अब क्या करें? हाँ, आइडिया। तारे जहाँ से अच्छा तू चलना बच्चा। हेलो, इस फोटो वाली को देखा है क्या? नहीं देखा। रुकिए, इस लड़के को कहीं देखा? इस लड़के को कहीं तो देखा था मैंने। कहाँ देखा? उधर उधर। थैंक्स। ए, चलो रे। चलो चलो। वालेकुम सलाम। बापू बापू, वो लड़का भी यहीं पर था। हमें देखकर कहीं छुप गया होगा, हम भी भेस बदल कर ढूंढेंगे उसे। तू जल्दी से कहीं से हम लोगों के लिए बुरके का इंतजाम कर। कहाँ मर गए ये लोग? देखा ना, ये भी हमें नहीं पहचान पाया। क्या कहीं मर तो नहीं गया है? कालिए, हम तेरे पास ही हैं। हरामखोर मुझे ही मार रहा था। जॉनी के खानदान का पता चल गया, सिकंदराबाद जाने वाली 120 सी बस में बैठा है ताऊ। यही बस है, चलो चलो चलो। यहाँ तो वो लोग नहीं है। अब हम क्या करें ताऊ जी, बस से उतर जाए क्या? मेरी बात सुन, वो लोग रेलवे स्टेशन ही जाएंगे ना ताऊ जी, हम लोग उन्हें वहीं पकड़ लेंगे। आदाब, आदाब, शुक्रिया। हाँ, चलो, अच्छा हुआ सीट मिल गई, अब मुझे कोई नहीं पहचान पाएगा। इसे क्या हुआ, ये हाथ यहाँ क्यों घुमा रहा है? ये कोई बहुत बड़ा ठरकी आदमी लगता है। हाथ निकालो जी। सुनो लड़की, तुम गलती से जेंट्स की सीट पर बैठ गई हो, इसलिए वो छेड़ रहा है। सॉरी सर, गलती हो गई। इसकी तो लड़कों जैसी आवाज है। Turn it up, turn it up. मुझे पता है ये सब तू ही कर रहा है, तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? भाग यहाँ से, भाग यहाँ से, भाग। सीमा पे सुरक्षा के लिए फौज लगा रखी है, लेकिन बस में हमारी सुरक्षा के लिए कोई नहीं है। ये सारी परेशानी जॉनी की वजह से है। हाँ? मेरी वजह से? हमारी वजह से नहीं बहन, उस जॉनी की वजह से। एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई, मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
क्या ढूंढ रहे हो भाई? मेरी दो दो बीबियां हैं। पहली बीवी से बात करता हूँ तो दूसरी बीवी को गुस्सा आता है, दूसरी से बात करता हूँ तो पहली को गुस्सा आता है। इन दोनों से बात ना करके पड़ोसी की बीवी से बात करूँ तो उसके पति को गुस्सा आता है। इन दोनों को छोड़कर फुटपाथ पर सोने गया तो कहीं दोनों मुझ पर मिलकर कार ना चढ़ा दे, इसलिए मैं अपनी तीसरी भागी बीवी को ढूंढ रहा हूँ। मुमताज, मुमताज, मुमताज। ये तो मेरी तरफ आ रहा है। अच्छा, मैं भागती हूँ। तुम बिल्कुल मेरी मुमताज जैसी लगती हो। आज मुमताज मिल गई। मैं तेरी मुमताज नहीं हूँ, मुहताज हूँ। चाहे पति का नाम बोलोगे तो छोड़ दूंगा क्या? तो फिर अगरबत्ती का नाम बोले पर छोड़ दोगे? एक बार अपना मुंह दिखाओगे तो छोड़ दूंगा। हाय अल्लाह, नहीं, मैं अपना चेहरा किसी गैर मर्द को नहीं देख सकती। एक बार नहीं जी, नहीं। क्या कन्फर्म? मेरी प्यारी मुमताज को दाढ़ी मुझे नहीं है। तो फिर जाओ ना यहाँ से। जाना तो मुझे पड़ेगा। बापू, ये हमारी तरफ ही आ रहा है। अरे बाप रे, ये मेरी बीवी नहीं है तो बीवा लगता है। आप लोगों में से मेरी मुमताज कौन है, थोड़ा चेक कर ले। चल, हमारा चेहरा अगर कोई दूसरा मर्द देखेगा तो अल्लाह माफ नहीं करेगा। हाँ ठीक है, एक मिनट इधर आओ ना। ये मेरी बीवी है, अब तुम तीनों का चेहरा देखकर बताओ मेरी बीवी कौन सी है। ए, पकड़ो। हाँ, मेरी बीवी का चेहरा देखो। पागल साले, बुर्का पहने औरत का फोटो देकर चेहरा देखने को बोल रहा है। नहीं नहीं नहीं, देखा क्या? सुनो, ये मेरी बीवी है क्या? ये फोटो वाली लड़की नहीं है, कोई जंगली सांड लगता है। तो फिर आगे चल के देखते हैं। ये सब मुझे ही ढूंढ रहे हैं, यहाँ से भागना होगा। मुमताज, अरे बाप रे, रोल लेडी है। ए बहन, मुझे बोला। एक मिनट इधर आओ। आती हूँ। ये मेरी बीवी है। इस बुरखे में है या नहीं एक बार देख के बताओ ना। देखो ना, आराम से। मिल गई। किधर? सब्जी मंडी में। ए, ए, रुको रुको रुको, मुझे अभी नहीं चाहिए, इसे तुम ही रख लो। मेरी मुमताज मुझे मिल गई। हाँ, हेलो पुलिस स्टेशन, शंकर स्पीकिंग। सर, मैं जॉनी बोल रहा हूँ। चुपचाप फोन रख दे। छे, आम आदमी बनकर बात करूंगा तो कोई नहीं करेगा। बड़ा आदमी बनकर करता हूँ। मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। कौन अमिताभ बच्चन? ब्लडी फूल। अमित जी, क्या हुआ? आवाज को क्या हुआ? शूटिंग में ज्यादा चिल्लाया था, इसलिए जॉनी को किडनैप करने के लिए कुछ लोग बुर्खा पहनकर बस में घूम रहे हैं। ये जॉनी कौन है सर? जॉनी कौन है? अरे, अपने महेश बाबू को प्यार से जॉनी कहते हैं। महेश बाबू को प्यार से जॉनी कहते हैं? हाँ सर। वो महेश बाबू को किडनैप करने की कोशिश कर रहे हैं। सुनो, मुझे अपनी जिंदगी में कुछ चीजें ना पसंद है, तुम तो अच्छी तरह जानते हो ना। अब ये खबर दोबारा मेरे कानों तक आनी नहीं चाहिए, हिस्ट्री रिपीट हो जाएगी। इस हिस्ट्री को तो मैं मिस्ट्री में बदल दूंगा। आप बिल्कुल चिंता ना करें सर। फौरन जाकर अरेस्ट करो उन्हें। मिनिस्टर को बोलकर मैं तुम्हारा प्रमोशन करवा दूंगा। फिर से बोलिए सर। अरे, मिनिस्टर को बोलकर प्रमोशन करवा दूंगा। बस का नंबर क्या है सर? 120C। आओ बेटी, यहाँ बैठ जाओ। मेरी सीट से यह सीट बहुत छोटी है माँ जी, हम यहीं खड़े रहेंगे। शुक्रिया। हाँ, आपका नाम क्या है बेटी? नरसिम्हा। चुप चुप। मैं हूँ सनी लियोनी, ये है बीना। और मेरा नाम शोएब मलिक है जी। अच्छी बात है, अच्छी बात है। हेलो। हेलो दादी, कहाँ हो तुम? हम सब लोग बस में हैं, तुम कहाँ हो? बस में क्या कर रही हो? स्टेशन जाने बोला था ना। उस नरसिंह यादव से बचने के लिए हम सब बुर्का पहनकर बस में बैठ गए हैं। कौन सी बस में? 120C। क्या? बापू बापू, पुलिस आई है। पुलिस क्यों आई है? सब बुर्के वाले नीचे आ जाओ। ए, सब लोग अपने बुर्के हटाओ। तुम हो? तुम सबको छोड़ूंगा नहीं। देखा इंस्पेक्टर साहब, आपके सामने हमें मारने की धमकी दे रहा है। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। महेश बाबू को तुम लोग किडनैप क्यों करना चाहते थे? हम महेश बाबू को किडनैप क्यों करेंगे सर? हम तो जॉनी को पकड़ना चाहते हैं। जॉनी का मतलब महेश बाबू, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, करेक्ट? लेकिन तुम जॉनी नाम के लड़के को क्यों पकड़ना चाहते हो? क्योंकि उसके साथ अपनी बेटी की शादी करवानी है। महेश बाबू शादीशुदा है, फिर भी अपनी बेटी की शादी महेश बाबू से क्यों करवाना चाहते हो? एक मिनट। हेलो शंकर जी, महेश बाबू को किडनैप करने आए गुंडों का पीछा कुछ हमारे लोग भी बुर्का पहन कर रहे थे। एक बौने आदमी के साथ तीन लोग और होंगे। बौना सा दिखने वाला यहाँ कौन है? वो बौना आदमी मैं ही हूँ सर। हाँ हाँ सर, मैं उन्हें छोड़ देता हूँ, ठीक है सर? आप उन्हें क्यों छोड़ रहे हैं सर? ये सब जॉनी के लोग हैं। जॉनी के लोग हैं, इसलिए मुझे छोड़ना पड़ रहा है।
आप लोगों को जो परेशानी हुई उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आप जाइए। पकड़ो उन्हें। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। आप लोग यहाँ क्यों खड़े? वो काका, मैं इन्हें स्टेशन छोड़ने जा रहा था, तभी मेरी कार खराब हो गई। स्टेशन जाने के लिए कोई टैक्सी वाला भी नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, आप मेरे साथ आइए, मेरे पास गाड़ी है ना, आपको स्टेशन छोड़ के आपको घर छोड़ दूंगा। आइए। मेरी जिंदगी के सिर्फ दो ही ड्रीम्स हैं। पहला, तुम जैसी खूबसूरत लड़की से शादी करके पूरा हो गया, और दूसरा था अपनी जमीन पर एक अच्छा सा मकान बनाओ। दामाद जी बता रहे थे कि वो तुझे पाकर बहुत खुश है। जैसा मैंने सोचा था उससे भी सुंदर और समझदार है मेरा दामाद। वो क्या है दीदी, ये प्याज काटेगी तो इसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे ना। हेलो, क्या आराम से घर पहुंच गया? हाँ पहुंच गया। अरे वाह, अपनी पत्नी के घर। बापरे, ये कैसे हुआ? तू तुरंत विजय को लेकर पब में आ जाना, वहाँ सब कुछ बोल दूंगा। वहाँ तू अकेला ही आएगा ना? तू तो जानता है ना यार, मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ मेरा नेटवर्क साथ चलता है। इसका मतलब शादी के बाद तेरी फॉलोइंग बहुत बढ़ गई यार। ए, चाहे जो प्लान कर लूं लेकिन उससे दूर नहीं भाग पा रहा हूँ। भागने का अब कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि मेरी गन की बुलेट उस बुलेट का इंतजार कर रही है। उसके साथ सोता हूँ तो कब ठोक डालेगी ये सोचकर नींद नहीं आती यार। उसके मरने तक मैं चैन से सोने वाला नहीं। ओए सर, रिपीट। सॉरी सर, दिस ब्रांड इज ओवर। दूसरा ब्रांड लेकर आऊं क्या? ए, मेरे जीजा इस ब्रांड के अलावा दूसरा ब्रांड नहीं पीते, जाकर यही ब्रांड लेकर आओ। थोड़ा तमीज से बात करो, मैं वेटर लगता हूं क्या? वेटर नहीं तो क्या, होटल का मालिक लेकर आएगा? सर वो वेटर नहीं है सर, हमारे कस्टमर है। सर यू कैन हैव दिस। हैव इट सर। तुम नहीं पियोगे? इसमें कोई नशा नहीं है सर, मैं तो पहले ही नशा कर चुका हूँ, आप पीजिए ना। लगता है भाई को कोई बड़ी प्रॉब्लम सता रही है। मेरे दोस्त को सारी प्रॉब्लम देने वाली एक लड़की है। अरे व्हाट ए कोइंसिडेंस, मेरे जीजा को प्रॉब्लम देने वाली भी एक लड़की है। मतलब आप भी किसी लड़की से पीछा छुड़ाना चाहते हैं क्या? नहीं, भागी हुई लड़की को हम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? मेरी पत्नी ही मेरी प्रॉब्लम है सर। अच्छी लड़की सोचकर मैंने शादी की, लेकिन मैंने एक मुसीबत से शादी कर ली। कब किसको कहां मार डालेगी कुछ पता नहीं सर। कौन है? तुम दोनों मेरा दिमाग पका रहे हो प्रॉब्लम 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 बोल के। मेरी प्रॉब्लम से बड़ी तुम्हारी प्रॉब्लम हो सकती है क्या? चल तू अपनी प्रॉब्लम बता दे। दुनिया में किसी को नहीं हो सकती, ऐसी मेरी प्रॉब्लम है। दिल में मत रख, बोल डाल। मेरी माँ के मरने के बाद मेरा घर सुना हो गया भैया, उस सुनेपन को खुशी में बदलूंगा ये सोचकर शादी करनी चाहिए। और मेरे बाप को सरप्राइज देने के लिए घर पहुँचा तो ये देखकर मुझे झटका लगा। कैसा झटका लगा भैया? मेरे बाप ने मुझसे भी आगे की सोचकर 17 साल की लड़की से शादी कर ली। अरे तो उसमें बुरा क्या है भाई, तेरे लिए माँ अपने लिए बहू दोनों एक साथ लाए ना। लेकिन मेरे बाप ने किसी और लड़की से शादी नहीं की भैया, मेरी बीवी की छोटी बहन से शादी कर ली। फिर भी मैं चुपचाप अपने मन को समझाता रहा, तब तक मुझे एक बेटा हुआ। अब आप ही बताइए भैया, वो मेरे बाप के बीवी को मौसी बुलाएगा या दादी बुलाएगा? आप ही बताइए भैया। इसकी तो खतरनाक प्रॉब्लम है। और कुछ दिनों के बाद मेरे बाप को भी एक लड़का हुआ, अब वो मुझे भाई बुलाएगा या मौसा बुलाएगा? अब मैं उस लड़के को भाई बोलूं या भतीजा बोलूं? आप ही बताइए भैया, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों की है या मेरी है? इस प्रॉब्लम की वजह शादी ही हुई ना, शादी करने से तो अच्छा है पाकिस्तान के बॉर्डर पर पहरा देता। हेलो दारू पीने वाले ब्रदर्स, पब कमिंग ड्रिंकर्स, वेलकम वेलकम, सबका वेलकम। संसार फिल्म में राज बब्बर की बात नहीं सुनी, घर संसार फिल्म में कादर खान की भी बात नहीं सुनी। अच्छी लड़की सोचकर सर झुकाए बैठी देखकर जल्दबाजी में उसे मंगल सूत्र पहना डाला, मैंने अपनी फोटो पे खुद ही माला चढ़ा डाली। प्लीज लिसन टू माई सैड स्टोरी, कहे बिना मैं नहीं रह पा रहा हूँ, सो आई एम सो सॉरी।
हर घर के लव मैरिज जिंदगी हो के डैमेज नशे में हो के फुल टू मैं तो नाचू जी अरे दो बैग पी के जी गाने गाऊं झुमके जी तेरे इश्क में बन गया शराबी शराबी पीके मैं टल्ली हूँ मूडी मैं जॉली हूँ हम जैसो से कोई पंगा ना ले हम भी तो कम नहीं जेम्स बॉन्ड से रंग जमा दे महफिल में ब्रेक न ले और मुश्किल होगा जीना इश्क बड़ा कमीना उल्टू होके आ सब कुछ भूलू अरे सब कुछ भूलू हर घर का लव मैरिज जिंदगी हो के डैमेज नशे में हो के फुल टू मैं तो नाचू जी अरे दो बैग पी के जी गाने गाऊं झुमके जी तेरे इश्क में बन गया शराबी शराबी कुड़ी वो सुंदर सी मुझसे वो आंखें मिली आंखें थी काली काली जादू भरी Why this full of worry? Every day मिठी मिठी बातें ना मुझसे करती प्यार भरी फिर दिल को उसने तोड़ा कहीं का ना छोड़ा बन गया उसके गम में शराबी हाँ शराबी हर घर के लव मैरिज जिंदगी हो गई डैमेज नशे में हो गए फुल टू मैं तो नाचू जी अरे दो बैग पी के जी गाने गाऊं झुमके जी इश्क में तेरे बन गया शराबी शराबी दिल टूटा तो गम ना कर प्यार में होता है यही बातें ना कर बहकी बहकी तू भी ढूंढ ले दूसरी फिर किसी से दिल लगा तू आज भी तू तो हीरो है रिस्क बड़ा है इश्क का शौक सबकी हालत यही होती हर लाइफ बना ले तू फिर से लव तू कर ले रे खोल तो फिर से दिल की खिड़की तुझको क्यूट मिलेगी लड़की दे दारू हर घर के लव मैरिज जिंदगी हो गई डैमेज नशे में हो गए फुल टू मैं तो नाचू जी अरे दो बैग पी के जी गाने गाओ झुमके जी इश्क में तेरे बन गया शराबी शराबी सुनो अभी अभी एक आइडिया आया है यहाँ से बच के निकलने के लिए एक प्लान बनाया है ये सब पूजा के आने से पहले होना चाहिए ठीक है ना क्या कहा उसने शादी कर ली तब तो पहले उसके पति को पकड़ना होगा वो खुद ब खुद हमारे पास आएगी उसका पति कहाँ है फौरन पता लगाओ और मुझे तुरंत बताओ कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर प्रेग्नेंट सभी रिपोर्ट्स बहुत अच्छी हैं टेक केयर ऑफ योर सेल्फ थैंक यू डॉक्टर थैंक यू वेरी मच यू आर वेलकम हेलो माँ बोलो बेटी तुम नानी बनने वाली हो माँ बड़ी खुशी की बात है बेटी ये बात दामाद जी को बताई तूने नहीं बताई तो फिर उन्हें बता दे फोन नहीं जब आएंगे तब बता दूंगी चल नहीं लगता वो आ गया चल टेंट की बोतल यहाँ कैसे आई आगे आगे गोली मार नहीं नहीं साले मैं हूं क्या कर रहे हो कनपट्टी पे लगा कनपट्टी पे लगा कनपट्टी पे लगा कौन हो तुम लोग क्या दिखाई नहीं देता क्या मुंह छुपा कर रखोगे तो कैसे दिखाई देगा ठीक है हटाते हैं पकड़ो मुझे हम किडनैपर हैं हिलना मत हिलेगा तो गोली मार देंगे अरे क्लोरोफॉर्म इसके पास कैसे पहुंचा कोलाफॉर्म नहीं रे क्लोरोफॉर्म गवार इंसान इसको सूंघते ही आदमी बेहोश हो जाता है इसे डिटेल बताने की जरूरत नहीं है महाराज जी पास नहीं आना इनके पास पिस्तौल है आप फौरन वो बोतल इन्हें दे दो आप लोगों को चाहिए क्या तुम्हारी मैडम को किडनैप करने आए हैं क्या प्लीज उसे किडनैप नहीं करना वो बहुत अच्छी है चाहो तो मुझे किडनैप कर लो ना 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 साहब को नहीं ले जा सकते साहब के साथ तुझे मुझे भी किडनैप करना होगा वरना मैं जाने नहीं दूंगी तू पागल तो नहीं जो इन्हें गिफ्ट ऑफर कर रही है जानती है ये दोनों तेरे साथ क्या करेंगे मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी साहब इसके लिए मुझे अपनी जान क्यों लगवानी पड़ेगी मुझे कुछ करना ही पड़ेगा ये ले किडनैप होगा ना ये ले चल 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 जल्दी कर अच्छा हम बाहर इंतजार कर रहे हैं तू जल्दी आ चल चल चल
यहाँ क्या करने आया है? कपड़ा हटा अपना। तू जॉनी सर का फ्रेंड है? हाँ भाई। यहाँ किस लिए आया? वो जॉनी ने यहाँ से भागने का प्लान बनाया था, इसलिए उसे किडनैप करने आया। मुझे माफ कर दो भाई। ये इस तरह क्यों पड़े? ए, उठो, ए, 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 उठो, क्या हुआ? ऐसे क्यों पड़े हो? क्या हुआ? बाबू को किडनैपर किडनैप कर ले गया मैडम। फौरन काका को इत्तला करो। मैडम, जॉनी साहब को किसी ने किडनैप नहीं किया है। दोस्तों के साथ मिलकर उन्होंने खुद प्लान बनाया है। मैडम, माँ जी भी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। हे भगवान, वो माँ को क्यों साथ ले गए? कहीं माँ को सच्चाई बता ना दे। ढूंढो उसे, मुझे माँ चाहिए। हेलो माँ। क्या हुआ? जॉनी कहाँ है? हेमा, हेमा, बेटा, थैंक यू जॉनी। बोलो, तुमने मुझसे शादी किस लिए की? बेटा शब्द सुने हुए मुझे पता नहीं कितने साल हो गए। तुम्हारी माँ ने मुझे बेटा बोला, इसलिए मैं उन्हें हॉस्पिटल ले आया। एक बार मेरी बात तो सुन लो जॉनी। नहीं सुनिए तुम्हारी कोई बात। अब अपना नाटक बंद करो। मैं तुम्हारा लाइफ पार्टनर नहीं हूँ, मैं तुम्हारे नाटक का मात्र एक कैरेक्टर हूँ। मेरी हस्ती खेलती जिंदगी बर्बाद करके तुमने एक जिंदा लाश बना दी। मैंने सोचा तुम मुझसे प्यार करती हो, इसलिए मैंने तुमसे शादी की, लेकिन तुम तो शादी का मतलब ही नहीं समझती हो। जान लेने वाली कभी किसी से प्यार नहीं कर सकती। मेरी इच्छाएं, मेरी आशाएं सब बदल कर रख दी तुमने। बोलो, ऐसा तुमने क्यों किया? मेरी पसंद नापसंद कुछ भी नहीं जानती हो तुम। इतना ही नहीं, मेरा असली नाम भी नहीं पता है तुम्हें। मैं जॉनी नहीं हूं, लक्ष्मी प्रसाद हूं। रुक जाओ। जो क्यों मार डालोगी? मैं तो तुम्हारे लिए बहुत पहले ही मर चुका हूँ। जाने से पहले मेरी बात तो सुन लो। मैंने सिर्फ तुम्हें ही धोखा नहीं दिया है, अपनी माँ को भी दिया है। मेरी माँ की बस एक ही जिद थी कि मैं जल्द से जल्द शादी कर लूँ, इसीलिए मैंने तुमसे शादी की थी। मैं नहीं जानती मेरी माँ कब तक जिएंगी। उनकी वजह से तुम्हें परेशानी हो सकती है, ये तो मैंने सोचा भी नहीं। जिस तरह हम बच्चों को बचपन में चंदा मामा की झूठी कहानी सुनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही मैं भी अपनी माँ को कहानी सुना रही हूँ। सोचा था शादी के बाद मेरी माँ कुछ और दिन जी लेगी। मेरा ये नाटक हकीकत में बदल जाएगा, ऐसा मैंने नहीं सोचा था जॉनी। तुमसे मिलकर ही मुझे पता चला कि प्यार क्या होता है, उससे पहले मुझे नहीं पता था। अनजाने में ही सही मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। आज तुम मुझसे दूर जा रहे हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। तुम शायद एक बात नहीं जानते हो जॉनी, तुम पापा बनने वाले हो। मुझे तुमसे माफी मांगने का भी अब कोई हक नहीं है जॉनी, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहूंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जीजा, ये देख लो जीजा, उस लेडी डॉन के पति को लेके आया। कपड़ा हटाओ।
अरे इसे क्यों उठा लाए तुम लोग? इसे तो मैं खुद ही भगाना चाहता था। इसे बचाने वो यहाँ नहीं आने वाली, बाहर करो इसे। बग्गा, दुश्मनी सिर्फ तेरे और मेरे बीच ही चल रही है। जॉनी को जाने दे यहाँ से। वंडरफुल इंडिया, यहाँ की मिट्टी में जरूर कोई बात है। शैतान की सिस्टर इस खतरनाक लेडी में भी सेंटिमेंट्स उभर कर आ गए। गुड। बग्गा, आज से मैं सब कुछ छोड़ रही हूँ। दुबई में अब तू अकेला राज करेगा। मेरी पोजीशन, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा नेटवर्क, जो चाहिए ले लो, लेकिन जॉनी को यहाँ से जाने दो। एक अनजान लड़के से इतना प्यार है तो मुझे मेरे भाई से कितना होगा? इसे मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? पहले मैं तुझे, उसके बाद इस लड़के को, दोनों को खत्म कर दूंगा। प्लीज प्लीज मेरी बच्ची को मत मारना। डैडी, इतने दिनों से ये सोच रहा था कि तुझे कैसी मौत दूं, आज वो मौका मिल ही गया। राम नाम सत्य। पूजा, सबको मार दूंगा। कर साले। डरो नहीं, हम जगन है। मुझे सब पता है, जिसको दिखता है वो सिर्फ सामने देख सकता है, बिना आंखों वाला आदमी चारों तरफ देख सकता है। कौन गिरा यहाँ? जॉनी, सुन ले बे, मेरा सामना करना इतना आसान नहीं है। मैं बहुत खतरनाक किस्म का जालिम आदमी हूँ। माफिया से टकराना चाहता है। आवाज बंद हो गई तेरी, दिखाई नहीं देता। राम गोपाल वर्मा की फोटो को बोल रहा है तू? क्या है ना, ये भी आजकल कोई अच्छी फिल्में नहीं बना रहा है, इसलिए। कितनी बार ए बोलोगे? बी। काले पे निशाना लगाओ तो पीले पे लग रहा है, पीले पे लगाओ तो काले पे। ये मुझसे नहीं होगा, तुम ही हैंडल करो। हे, सब लोग अपने सेलफोन की लाइट बंद कर दो। जॉनी, मोबाइल की टॉर्च ऑन करो। अरे जॉनी, जानता नहीं ये औरत के भेस में एटम बॉम्ब है, कब फटेगी, किसकी बलि लेगी कोई नहीं जानता, समझा के नहीं तू? ओए ओए, पकड़ के रख। ऐसी क्रिमिनल लेडी के लिए तू क्यों बलि का बकरा बनता है? क्यों अपनी बलि देना चाहता है? जाओ और भाग कर अपनी जान बचा लो, जाओ। ए, तू जानता है ये कौन है? ये मेरी पत्नी है, इसके पेट में मेरा बच्चा है, और मेरे होते हुए तू कुछ नहीं कर सकता। पत्नी की रक्षा ना करने वाला पति मर्द नहीं हो सकता। मेड फॉर ईच अदर, साथ रहोगे तो साथ मरना भी पड़ेगा। नहीं, 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 नहीं।
ये लो ये भी लो सुनो। क्या चाहिए? हाँ बोलो। क्या चाहिए? गन चाहिए? हाँ ये लो, गन ले लो। हटाओ इसे। बोलो। हेलो, क्या है? बोलो। बग्गा का भाई जग्गा मैडम को मारने की तैयारी कर रहा है सर। देखो कैसी लगी तुम्हें, क्या हुआ? कुछ नहीं, ये बात मैडम को मत बताना, उसे मैं देख लूंगा। उसकी फोटो भेजो। आपको भेज दिए मैंने। क्या हुआ बेटा, तुम इस तरह रो क्यों रहे हो? मेरी माँ मुझे जान से प्यारी थी, आज वो मुझे छोड़कर जा रही है तो सर। ये बात है। ए, नीचे रख। अपनी माँ के आखिरी बार जी भर के दर्शन कर ले। चल सर, सारे मुझे एकदम चिकना कर दे ताकि मुझे कोई पहचान ना पाया। रुक जा, दो मिनट रुक जा। भाई मेरे कस्टमर वेट कर रहे हैं। दो मिनट बाद राहुकाल चला जाएगा ना। दाढ़ी बनवाने के लिए भी कोई राहुकाल देखता है क्या? हम देखते हैं सर। अच्छा सुनो, यहाँ से किसी टेररिस्ट को जाते हुए देखा है तुमने? टेररिस्ट सर? वो टेररिस्ट नहीं है सर, फैक्शनिस्ट है। ये बात तुम कैसे जानते हो? ठीक है, वो टेररिस्ट है या फैक्शनिस्ट है वो सब मैं देख लूंगा। दाढ़ी तो बनवा लूं सर। तुम चलो मेरे साथ। वकील साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नरसिंह। के राघवेंद्र राव बीए। ओनली बीए, एलएलबी नहीं? हाँ, काला कोट तो पहन लिया ना। बुर्खा पहनकर किडनैप करने वाले पर कौन सी धारा लगाना चाहिए? सिंपल सवाल पूछा तुमने, 400001। तुमने तो धारा की जगह मुंबई का पिन कोड नंबर बता दिया। क्या सर, मिठाइयाँ बंटवा रहे? लगता है कोई आपका प्रोजेक्ट पास हो गया है। नहीं नहीं, भुलवा सीरियल में भुलवा को एक खूबसूरत फूल सी बेटी हुई है, इसीलिए मैं ये मिठाई सब में बंटवा रहा हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। किसी दिन सीरियल देखते देखते मरेगा साला। सेटलमेंट से तो अच्छा है कि मैडम जी के घर में ही कुक बनकर हमेशा काम करता रहूं। वैसे भैया मुझे एक छोटा सा डाउट है, पहले अंडा आया या मुर्गी? मैडम जिसका पहले ऑर्डर करे वो आया। मैंने कहा था ना कि मेरी दो बीवियां हैं, फेसबुक पे पोस्ट करके लाइक ठोकने को बोला तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, इसलिए मैंने उसको ही ठोक डाला, इसलिए दोनों मुझे ब्लॉक करके न जाने कहां चली गई। मेरी बहन से एंगेजमेंट करके कहां भाग गया था तू? अब चलकर शादी कर ले। मतलब लता के लिए आप लड़का ढूंढ रहे हो? सॉफ्टवेयर? नहीं 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 नही